सो हाई गाइज, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। क्षमा चाहता हूँ मैं कल के लिए, कल एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया। इसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। और आज इस क्लास में मैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी को हाय, हेलो, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब फिट और फाइन हो गए, हेल्दी हो गए, हाइजीन हो गए। ठीक है, चलिए तो आज सबसे पहले हम चलिए, खैर जो भी है, आप सभी को हाय, हेलो, गुड इवनिंग कहता हूँ मैं। जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट। आज हम जो है इस क्लास के अंदर ग्राफिकल मेथड को और डिज़ाइन ऑफ पर्लिन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी करो आप सब लोग जो है फटाफट लाइव आ जाओ, अपने दोस्तों को लाइव ले लो क्योंकि आज जनता कर्फ्यू है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसका पालन किया होगा और आप सभी लोग अपने अपने घर पर बैठे होंगे और ये बहुत ज़रूरी था हम सभी के लिए। चलिए तो आप सब लोग कैसे हो, जरा पहले मुझे हालचाल बता दीजिए, कैसे हो आप सब लोग। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। पिंकेश फाइन, वेरी गुड। और कोई कहना चाहेगा कुछ, हमसे शेयर करना चाहेगा तो कर सकते हो आप, जल्दी करो, हरी अप। इसके बाद फिर हमें हमारी क्लास को शुरू करना है। कल का एक दिन हमारा जो है वो वैसे ही चला गया है, कल हमने क्लास नहीं ली थी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, हम बिल्कुल फिट और फाइन है पिंकेश, और अच्छी तरह से ख्याल भी रख रहे हैं, आप भी रखिए। ठीक है, झूठी खबरों से, फेक न्यूज़ से, फेक मैसेजेस से बचे रहिए और अपने आप को, अपने परिवार को और अपने अपने जो नेबर्स है उन सब का ख्याल रखो, खुद थोड़ा केयर करो, बाहर निकलने से परहेज करो जहाँ तक ज़रूरी ना हो वहाँ तक। ओके, चलिए तो अगर आप सभी की अनुमति है तो हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों ने असाइनमेंट करने की कोशिश की है। एटलीस्ट मिहिर गुजराती, आइए, स्वागत है आपका, हेलो। कितने लोगों ने हमारे असाइनमेंट को करने की कोशिश की है? सर एग्जाम्पल में लेंथ का यूज़ तो आया ही नहीं था। हाँ, लेंथ का यूज़ तो आया ही नहीं तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं। जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं हमारे ट्रस की इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की, उस ज्योमेट्री के अंदर अगर हमें जानना है कि भाई हमारे रूफ़ की या रूफ ट्रस की लेंथ कितनी है टोटल, तब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती, वरना ऐसे कोई कैलकुलेशन में खास उसकी कहीं भी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। ठीक है, चलिए तो कितने लोगों ने हमारे दिए गए असाइनमेंट को कंप्लीट किया है या उसे सॉल्व करने की कोशिश भी अगर की हो किसी ने तो बताइए मुझे, आप में से कौन है ऐसा, कौन है ऐसा आप में से। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट, एक्सप्लेन सिंपल, ओके, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन, थैंक यू। जीटीयू पर स्केड्यूल एग्जाम कंडक्ट करेंगे, जीटीयू पर क्या बता रहे हो आप सर? जीटीयू एज पर स्केड्यूल एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। देखो जीटीयू का भी नोटिफिकेशन ऊपर से आया नहीं है, जो भी होगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसकी चिंता मत कीजिए आप। अभी तो अप्रैल के एंडिंग तक क्या होता है पहले ये हमें कंडीशन देखने होंगे, इस हालात को मद्देनजर रखते हुए बाद में अथॉरिटीज हमारा उनका जो है फाइनल डिसीजन हमें बताएगी। ठीक है, चलिए। असाइनमेंट नहीं मिला, जिनको भी असाइनमेंट नहीं मिला और जिन जो बेखबर है बिल्कुल कि हमने असाइनमेंट कौन सा दिया, कहाँ दिया, तो उनको बता दूं मैं कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल सिविल नाम से, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी या फिर उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमारा बैच जो है, बैच कोड एंटर कीजिए, TECDSS करके हमारा बैच है, उस बैच को ज्वाइन कर लो फटाफट। अगर आपको नहीं पता बैच को किस तरह से ज्वाइन किया जाता है तो हमारे वीडियो सेक्शन में एक वीडियो इसके लिए हमने शॉर्टली अपलोड कर रखा है, शॉर्ट छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर हमने बताया आपको कि हमारे DSS के ग्रुप को किस तरह से ज्वाइन किया जाता है, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर अनाउंसमेंट या असाइनमेंट सेक्शन में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट को आप जो है सॉल्व करो। उसके अंदर कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप मुझे एनी टाइम सवाल पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए या फिर हमारी एप्लीकेशन के जरिए, या फिर आप जो है हमसे कमेंट के जरिए भी सवाल पूछ सकते हो, हम आपके पूरे सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करते रहेंगे। चलिए तो आज की इस क्लास को इसी तरह से शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आज इस क्लास के अंदर ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करने वाले थे। कई लोगों ने मुझे कहा था कि सर हमें ग्राफिकल मेथड को सिखाइए। चलिए, ऐसे
आपको बता दूं एक जरूरी चीज कि जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू ग्राफिकल मेथड इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंस, बिकॉज इसमें जरूरी क्या होता है कि जब आप ग्राफिकल मेथड को यूज कर रहे हो तो ग्राफिकल मेथड के अंदर होता क्या है कि आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पेन पेंसिल स्केल एंगल्स वगैरह, उन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात क्या है, उसके अंदर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड इतना आसान भी नहीं होता, इसलिए एग्जाम्स के अंदर जो उसे पूछा नहीं जाता। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको ज्यादातर पूछे नहीं जाते। हाँ, एग्जाम के अंदर जो सवाल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से पूछे जाते हैं वो आप तो मैंने बता दिया है कि हमारा जो रूफ ट्रस है उसका एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके बाद डिजाइन ऑफ पर्लिन होगा, डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस होगा, सॉरी प्रिंसिपल राफ्टर होगा। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के डिजाइन पूछे जाते हैं, उसके एनालिसिस पूछे जाते हैं, बट ग्राफिकल मेथड नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सिर्फ जनरल ओवरव्यू के लिए, एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि ग्राफिकल मेथड के अंदर आखिर होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि हम जब रूफ ट्रस एनालिसिस करते हैं तो उसके दो तीन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो एनालिटिकल मेथड जो होता है, जो हमने इससे पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर होता क्या है कि आपको ग्राफ के जरिए, आपको फिगर के जरिए, आपको उसके अंदर जो विंड लोड, डेड लोड और लाइव लोड को निकालना होता है, एनालाइज करना होता है। तो चलिए, आप सभी की अगर अनुमति है तो हम आज ग्राफिकल मेथड को शुरू करें। यस और नो, जल्दी करो, हरी अप। आप सभी की अगर मुझे अनुमति हो तो हम ग्राफिकल मेथड को शुरू करें या नहीं करें, या फिर अगर आप कुछ हमसे और सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अरुण कह रहे हैं कि व्हाट्स द टॉपिक टुडे, ग्राफिकल मेथड एंड डिजाइन ऑफ पर्लिन। जिगर कैसे हो सर आप, आज तो मॉर्निंग में मैं क्लास रखे तो मजा। अरे आज एक्चुअली मॉर्निंग में क्लास रखने वाला था, लेकिन जैसे मैंने कहा था आपको कि हमारा जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, उन्होंने मुझे कहा था कि सुबह 5 बजे तक आपका इंटरनेट शुरू हो जाएगा, लेकिन हुआ ये कि जब मैं उठा तब भी वो शुरू नहीं हुआ था, और तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास जो है ये इंटरनेट हमारा ऑन हुआ, जिसके लिए मैं नहीं ले पाया। ठीक है, तो मैं भी चाहता था कि सुबह आज क्लास हो जाए, लेकिन ये कुछ रुकावटों के लिए मैं नहीं आ पाया, जिसके लिए हमें खेद है और हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चलिए, तो बैच कोड हमारा TEC DSS होगा, TEC DSS हमारा बैच कोड होगा। चलिए, तो देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि हम जब ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करते हैं तो चलिए एक काम करते हैं, हम सवाल ले लेते हैं। ठीक है, हमारा सवाल से ही जाते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। एक छोटा सा सवाल हम ले लेते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, चलिए एक सवाल है डिटरमाइन। अच्छा, आपने, आप में से किसी ने मुझे जवाब दिया ही नहीं कि सर हमने असाइनमेंट किए नहीं किए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूं लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको असाइनमेंट दिया तो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ लोगों की बैच रिक्वेस्ट मुझे आ रही है, मैं बाद में उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, चलिए, तो आपने सवाल किसने किया ही नहीं असाइनमेंट के, ये बहुत गलत चीज है, बहुत बुरी बात है। अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है अच्छी तरह से तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब। चलिए, तो ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, शुरू करें फिर। अगर आप सभी की बात खत्म हो गई है तो शुरू करें फिर। IS 800 की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, IS 800 की जरूरत पड़ेगी आपको आज इसके अंदर, और एक कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिए, कागज कलम अपने पास रख लीजिए। अगर आप सभी की अनुमति हो तो हम शुरू करें फिर आज के इस क्वेश्चन को। यस और नो में जवाब तो दो मुझे, हरी अब जल्दी करो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, सॉरी आपसे मैंने सवाल पहले ही पूछ लिया था, दोबारा पूछ लिया। ठीक है, चलिए, तो सवाल है डिटरमाइन ग्राफिकली डेड लोड एंड चेक लोड फॉर प्रिंसिपल राफ्टर ओनली ऑन द रूफ ट्रस एज शोन इन फिगर। आपको इस तरह से जो है, आपको जो है एक रूफ ट्रस दे रखा है, मैं इस तरह से, अब देखो ये ग्राफिकल मेथड जो होता है ना, एक्चुअली बोर्ड पे मैं आपको इस तरह से पूरी तरह समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको ये कह रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा इसको आपको समझा देता हूँ ओवरव्यू वगैरह। इसके लिए अलग से एक हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ना, मैं आपको उसका लिंक जो है हमारी एप्लीकेशन के अंदर दे दूंगा, या फिर हमारा लाइव खत्म होने के बाद इसी वीडियो के नीचे हम जो है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, उस वीडियो का, इस स्लाइड के खत्म होने के बाद, उसके अंदर डिटेल में सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या क्या है कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा ग्राफ हमें बनाना होगा विथ स्केल, उसके बाद एक टेबल बनाना होता है, तो ये सब जरूरी होता है। ठीक है, ये बुक का हमारा 4th एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंपल है इसलिए मैं आपको पहले ले रहा हूँ ये, उसके बाद हम दूसरा और एक एग्जाम्पल कर लेंगे इसका। चलिए, तो आपको इस तरह से एक ट्रस दे रखा है और ये है, ठीक है, इस तरह से आपको एक ट्रस दे रखा है और यहां पर ये हाउ ट्रस हमें बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग मेरी ऑलरेडी वीक है, जो लोग
ड्राइंग पसंद करते हो उन्हें इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं है, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, ये आपको इस तरह से एक फिगर दे रखी है भाई साहब, इसको हम ठीक है। अब आपको कहा गया इसका जो स्पान है टोटल यहां से यहां तक का, ठीक है, स्पान ऑफ ट्रस वो है 20 मीटर का। स्पान आपका कितना है? 20 मीटर का स्पान है। ध्यान से जरा देखिएगा इस चीज को अब, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया इसकी जो राइज है, ये जो राइज है इसकी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये 4 मीटर की राइज है। ओके, इन सब वैल्यूज का एक अपना मतलब होता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये राइज है, इसके अंदर आपको जो है डेड लोड और लाइव लोड दोनों दे रखे हैं कि भाई जो भी पैनल पॉइंट है वहां पर डेड लोड लाइव लोड कितना है। यहां पर अगर हम डेड लोड की बात करें तो डेड लोड आपको दे रखा है कितना, 4 किलो न्यूटन। उसके बाद आपको लाइव लोड दे रखा है यहां पर, वो दे रखा है 3 किलो न्यूटन। सिमिलरली यहां पर आपको 4 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन, सॉरी सॉरी, यहां पर आपको 8 किलो न्यूटन और 6 किलो न्यूटन, यहां पे आपको 8 किलो न्यूटन और 6 किलो न्यूटन, मतलब ये डेड लोड लाइव लोड, डेड लोड लाइव लोड। ये सिमिलरली यहां पर 8, यहां पर 6, और यहां पर जो है आपको यहां पर भी सेम 8 और 6 दे रखा है, यहां पर भी 8 और 6 दे रखा है, यहां पर भी 8 और 6 दे रखा है, यहां पर भी 8 और 6, एंड हियर इज ओनली 4 एंड 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक लोड का जो लोडेड, सॉरी लोडेड आपको एक ट्रस दे रखा है जिसके अंदर लाइव लोड और विंड लोड। अच्छा, सबको दिखाई दे रहा है ये बोर्ड क्लियरली? ये थोड़ा यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, उससे खास आई थिंक दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, वो थोड़ा साइड में निकल रहा है, कोई बात नहीं। चलो, तो ये लाइव लोड डेड लोड, ठीक है, डेड लोड है ये, लाइव लोड है ये, नीचे डेड लोड ऊपर लाइव लोड, सिंपल है। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ दे रखा है, इस तरह से आपको एक फिगर दे रखी है, फिगर दे रखी है, सॉरी। अब इस फिगर के अंदर आपको बताना है, और हाँ, विंड लोड के लिए भी, ये लाइव लोड डेड लोड के लिए है, विंड लोड के लिए आपको दे रखा है, ठीक है। विंड लोड के लिए आपको इस तरह से दे रखा है, मैं आपको ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ये विंड लोड, अगर आपके पास ये टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक को आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको डेड लोड और लाइव लोड दोनों दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं अपन, ये फिगर आपने ड्रॉ कर ली है, फिगर आपने ड्रॉ कर ली है, यस और नो? हरी अप, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा जरा इसकी, उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होता है इसके अंदर जरूरी चर्चा करनी है मुझे आपसे। फिगर ड्रॉ कर ली हो तो बताइए मुझे, मीर ने कर ली है और किसी ने फिगर ड्रॉ की है? जल्दी करो, मैं विंड लोड भी ऐसा अगर फ्री बैठा हूं तो मैं कर लेता हूं। चलो ठीक है, विंड लोड हमेशा जो है ना वो परपेंडिकुलर लगते हैं ट्रस को, ठीक है। विंड लोड हमेशा परपेंडिकुलर ही ट्रस को एक्ट होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा जरा आप। और जब हम लोड कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर भी हम कंसीडर हमें करना पड़ता है, ये भी परपेंडिकुलर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, सब कुछ। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में। दिस इज वॉट द क्वेश्चन इज गिवन टू यू, इस तरह से सवाल दे रखा है आपको। अगेन ये 20 मीटर का है और ये पूरा जो है 4 मीटर का राइज है यहाँ तक, ठीक है। सवाल ये है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, इतना आपको सवाल दे रखा है। आपको कहा है इसके अंदर ग्राफिकली जो डिजाइन लोड है और चेक लोड है वो निकालना है। अब डिजाइन लोड क्या है और चेक लोड क्या है ये मैं आपको आगे बता दूंगा कैलकुलेशन के अंदर। पहले अभी आपको ये इसमें करना ये है कि डेड लोड लाइव लोड विंड लोड आपको इससे एनालाइज करना है, ठीक है। अब ये ग्राफिक एनालाइज करना होता है, मैं ग्राफिकली एनालाइज करने के लिए आपको करना क्या होता है अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हाँ चलिए काम करते हैं, इसी ट्रस को यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा यहाँ पर, हाँ, क्योंकि देखो अभी ये है ना
हमें जो 6 किलोन्यूटन है, 8 किलोन्यूटन है, तो अगर यही लोड को हम कंसिडर करते हुए आगे बढ़े तो इसमें होगा क्या, आपको कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर कन्फ्यूजन ना हो तो हम क्या करते हैं, यूनिट लोड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यूनिट लोड के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट लोड के लिए डायग्राम को या फिगर को ड्रॉ करते हैं। अब इसके दो डायग्राम बनते हैं, दो तरह के डायग्राम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर अब क्या क्या होता है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा अब तक। ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, आप आज क्योंकि सब लोग घर पे ही हो गए, तो आपने क्या किया आज घर पे रहकर, जरा बताओगे आप मुझे? कोई किसी ने मूवी देखी, किसी ने कोई सीरीज देखी हो, किसी ने कुछ किया हो, क्या किया आपने, ऐवे मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। चलो बताते रहिएगा मुझे आपने क्या किया है, क्या कर रहे हो फिलहाल, फिलहाल तो आप पढ़ रहे हो, चलो खैर जो भी है। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें बनाना होता है एक स्पेस डायग्राम। अब स्पेस डायग्राम क्या होता है, देखो स्पेस डायग्राम वो होता है जिसके अंदर हम बोज नोटेशन को बताकर उस स्पेस के अंदर हर एक पॉइंट को एक अपने नाम, हर एक मेंबर को नाम देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले करना क्या होता है, बोज नोटेशन देने होते हैं। अब बोज नोटेशन क्या होते हैं, तो बोज नोटेशन होते हैं भाई के ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये किसी मेंबर का नाम नहीं होता है, ये स्पेस जो आपकी रहती है इसके स्टेक में, ठीक है, उस स्पेस का नाम होता है, ठीक है। इसके लिए हम उसको स्पेस डायग्राम कहते हैं। और ये बोज जो होते हैं ये स्पेस के अंदर दिए जाते हैं नोटेशन, तो ये ए हो गया। और हमेशा याद रखना, जब भी आप बोज नोटेशन देते हो स्पेस डायग्राम के अंदर, दैट शुड बी ओनली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप नहीं दे सकते हो। आप ये नहीं दे सकते हो कि भाई ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसा नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। आपको ए बी सी डी इस तरह से देना होता है। चलो मैं बात करते हैं, ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है, ई हो गया, ये एफ हो गया आपका, ठीक है, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है, एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ये आपका आई हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट होता है यहाँ पर जे हो गया जॉइंट, ठीक है, और ये पूरा मेंबर होता है ये के हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, ये एल हो गया, ये स्पेस है एम हो गया, ये स्पेस है एन हो गया, ओ हो गया, ठीक है, पी हो गया, इस तरह से आपको जो पूरे है ये यहाँ पर नामकरण इसका कर देना है, क्यू आर एस टी यू वी, इसके अंदर भी ABCD आना जरूरी है, ठीक है। ABCD अगर आपको नहीं आती होगी तो बाजू वाले से पूछना पड़ेगा कि भाई यू के बाद क्या आता है, ठीक है, WX और ये Y, इस तरह से आपको ये जो है बोज नोटेशन यहां पर देना है। दैट शुड बी ओनली इन क्लॉकवाइज डिरेक्शन, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो, ABCDEFG ये सारे जो है क्लॉकवाइज डिरेक्शन में है, ठीक है। मैं क्या, अगर आप करोगे, अगर आप गलती कर सकते हो कि ABCDEFG हो गया, फिर आपने क्या किया भाई कि यहां से आपने जो है जे के यहां पर दे दिया, एल यहां पर दे दिया, एम एम यहां से, फिर आप कह सकते हो कि भाई के एल एम यहां से दे सकते हो, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा आपका। तो हमेशा याद रखना, ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएंगे, ठीक है, वी शुड हैव टू गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने ये देख लिया। अब बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन की चीज होती है, अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हमें पहले अब ये डिसाइड करना होता है कि इसके अंदर कौन सा मेंबर कंप्रेशन में होगा और कौन सा मेंबर टेंशन में होगा। ये एक बहुत सा, कितने लोगों को ये सवाल है, कितने लोगों को ये कंफ्यूजन है, जरा बताइए मुझे आप में से, जल्दी करो। कितने लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये नहीं पता चलता कि कौन सा मेंबर कंप्रेशन में रहेगा, कौन सा मेंबर इसमें रहेगा, टेंशन में रहेगा। कितने लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है, कितने लोगों को इसको फाइंड आउट करते नहीं आता। हरी अब जल्दी करो, सवाल का जवाब दो मुझे फटाफट। हाउ मैनी ऑफ यू नोज, हाउ मैनी ऑफ यू डोंट नो, जिगर क्रूशल यकीन, यकीन पटेल, ठीक है, मतलब आप लोगों को नहीं पता, ठीक है, नहीं आता सर, करा, हाँ मैं करवा दे रहा हूँ, करवा, मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, चलिए। तो ये है, अब देखो इसके अंदर जो है ना, एक तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। आई हैव लिटल कन्फ्यूजन, यकीन का क्या कन्फ्यूजन है, आप जरा लिटल कन्फ्यूजन क्या आपको बता दो। चलो जिसको पूरा नहीं आता उन्होंने तो डोंट नो लिख दिया, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्या है वो बताइए। अनिर्बन घोष इज वन ऑफ आवर मेंबर, और आपका मैं स्वागत करता हूं अनिर्बन।
मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ। आप बताइए, आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद आप हमें लाइव सेशन में दिखे हो, जिसका मैं आभारी हूँ आपका। चलिए तो बताइए आगे मुझे। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि कितने लोगों को ये जो कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर को पता नहीं चलता है, वो समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए। अब देखो, इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, है ना। इसके अगर हम मैथमेटिकली अगर देखें तो मेथड ऑफ जॉइंट होता है, मेथड ऑफ सेक्शन होता है। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट अगर देखें हम तो वो भी सिंपल है, मेथड ऑफ सेक्शन भी सिंपल है, लेकिन एक और लोडिंग कंडीशन में प्रॉब्लम रहता है, लोडिंग कंडीशन में प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी है सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से अब। ठीक है, आपको करना क्या होता है, अब मैं जो है ये आप में जो उम्मीद है आप सभी लोगों ने ये दोनों डायग्राम को ड्रॉ कर लिया होगा। मैं इसको जो है नीचे वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये डायग्राम को, ये विंड लोड डायग्राम था, इसको मिटा रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें देखो क्या होता है ना, अगर आप अभी आगे, क्योंकि हमने आप अभी फुट ओवर ब्रिज हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। हमारे जो ये यूजुअल होता है, ये थंब रूल है छोटा सा, यूजुअली ऐसा होता है कि जो टॉप मेंबर्स होते हैं हमारे, इसको हम टॉप कोड कहते हैं, इसको हम बॉटम कोड कहते हैं। ठीक है, टॉप कोड मेंबर्स एंड बॉटम कोड मेंबर्स। तो टॉप कोड मेंबर्स जो होते हैं वो हमेशा जो है यूजुअली कंप्रेशन में रहते हैं, और जो बॉटम कोड मेंबर्स जो होते हैं वो यूजुअली टेंशन में रहते हैं। ठीक है, ये हमें डिजाइन ऑफ स्टील कहता है। ओके, समझ में आ रही मेरी बात आपको? अब ये कंप्रेशन में है, ये टेंशन में। अब ट्रस के अंदर होता क्या है, एक्चुअली हमें अब तक क्या पता था कि भाई कंप्रेशन मतलब क्या है, कि मान लीजिए ये एक आपका कोई रोड है, कंप्रेशन मतलब इसको आप दोनों तरफ से जो अंदर फोर्स लग रहा है, इस तरह से तो वो एक कंप्रेस हो रहा है, इसे हम कंप्रेशन कहते थे। ठीक है, और दूसरा होता है भाई कि अब हम जो है ये एक है इसको खींच रहे दोनों तरफ से, तो इसके अंदर टेंशन हो रहा है। यही हम अब तक सीखते आए हैं, यही हम अब तक हमको पता है, लेकिन वी आर डीलिंग विद द इंटरनल रिएक्शन ऑफ दीज मेंबर्स। हमें इसके इंटरनल रिएक्शन को कंसिडर करना होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन क्या कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, तो हमें इसके रिएक्शन से डील करना होता है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कि एक मेंबर है, ये वाला मेंबर है, हम इसे कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर से जो फोर्स लग रहा है ये एक्शन है, तो इसके अंदर रिएक्शन कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? एक्शन कंप्रेशन का है तो रिएक्शन कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? इसके अंदर जो एक्शन हम लगा रहे हैं वो कंप्रेशन का है, तो इसके अंदर रिएक्शन कौन सा होगा, किस नेचर का होगा, कंप्रेशन का होगा या टेंशन का होगा? जल्दी करो, सिंपल तरीके से आपको आगे बढ़ा रहा हूं मैं, हर एक चीज हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करो मुझे बताइए कि अगर यहां से दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, और न्यूटन हमें कहता है कि भाई एक हर एक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, तो भाई कंप्रेशन का अपोजिट क्या होगा? कंप्रेशन का अपोजिट टेंशन होगा। वेरी गुड, और कोई है कंप्रेशन का ये, इसको क्योंकि अपोजिट रिएक्शन लगेगा अंदर से, अपोजिट रिएक्शन लगेगा ना, तो कंप्रेशन अगर अंदर हम दे रहे हैं उसको, तो बाहर से हम कंप्रेशन दे रहे हैं तो अंदर से रिएक्शन क्रिएट होगा, मतलब ये जो है इस तरह से उसको बाहर मेंटेन करने की कोशिश करेगा, बिकॉज हर एक मेंबर अपने आप को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना चाहता है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा कि हर एक जो उसका क्या कहते हैं, उसके जो सर्क्यूलर्स होते हैं कुछ क्या, खैर वो तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो भी है, तो यहां पर क्या होता है, मतलब हर एक चीज अपने को अपने आप को बैलेंस में रखनी चाहती है, तो वो जितना बाहर से एक्शन हो रहा है उतना ही रिएक्शन लगाना पड़ेगा उसको। तो ये सिंपल होता है कि भाई इसमें क्या हो रहा है, ये अंदर उसको टेंशन लगाएगा, सिमिलरली क्योंकि ये टेंशन में हैगा, अब ये टेंशन में होगा हमारा, तो अंदर से इसको कौन सा रिएक्शन लगेगा? तो बहुत सिंपल है, ये अंदर हमारा कंप्रेशन में था। ठीक है, तो हमने इसको खींचा, ये हमारा एक्चुअली कंप्रेशन था, हमने इसको अंदर कंप्रेस किया तो ये टेंशन अंदर से अप्लाई कर रहा है, हमने इसको बाहर से खींचा, ठीक है, हमने इसको बाहर से खींचा, ये एक्चुअली टेंशन में था, हमने इसको बाहर से खींचा, तो अंदर क्या होगा, ये इसको कंप्रेस करने की, अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, ये मेंबर खुद अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, जैसे कि इसमें वाटर हो तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वेरी गुड, ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये हो गया हमारा कंप्रेशन का और टेंशन का, मतलब इसके अंदर आपको उल्टा समझना है भाई। आप अगर मैं कहूं आपको कि भाई आपका ये जो BL मेंबर है ये कंप्रेशन में है, तो इसके जो साइन कन्वेंशंस होंगे ना कंप्रेशन को बताने के, वो कैसे होंगे? वो टेंशन वाले होंगे, वो टेंशन वाले होंगे। ठीक है, ये कंप्रेशन में है, मतलब मैं बता दूं आपको, ये कंप्रेशन में इस तरह से बताएगी, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये कंप्रेशन में है, दिस मेंबर इज इन कंप्रेशन, इसका मतलब ये हो रहा है, क्योंकि इसके साइन ये अपोजिट हो रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आपको?
समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको, कि यहां पर आपको जो मेंबर कंप्रेशन में है उसको टेंशन वाली साइन से बताना होता है, बिकॉज उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो रहा है, टेंशन रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो मेंबर टेंशन में होता है उसको आपको कंप्रेशन वाली साइन से बताना होता है, बिकॉज उसके अंदर कंप्रेसिव रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, पूछ लीजिएगा मुझे, कंफ्यूजन नहीं है तो क्लियर लिख के मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं समझ में आया, जिगर को नहीं समझ में आया, ठीक है, ये सुन लीजिए, फिर से मेरी बात सुन लीजिए। हमारा ये कोई एक मेंबर है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहां पर कंप्रेशन लगा रहे हैं, तो उसके अंदर का जो रिएक्शन क्या करेगा, वो उसको अंदर टेंशन में देगा, मतलब वो अपने आप को इक्विलिब्रियम रखने की कोशिश करेगा। ये इधर से है, ये कंप्रेस हो रहा है, अंदर के जो मटेरियल है, अंदर के जो पार्टिकल है, वो क्या करेंगे, अपने आप को वहां पर रखने की कोशिश करेंगे, और वो क्या करेंगे, अपोजिट साइन, ठीक है, हाँ, वो क्या करेंगे, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाएंगे। अगर अंदर दबान हो रहा है, ठीक है, अंदर अगर दबान हो रहा है तो बाहर से वो क्या करेगी, उस दबान को रिएक्ट करेगी, मतलब ये टेंशन अंदर क्रिएट होगा। इन शॉर्ट यहां पर आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, कि अगर जहां पर कंप्रेशन हो रहा है उसको अपोजिट साइन, मतलब टेंशन वाली साइन से डिनोट करना है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जहां भी कंप्रेशन मेंबर होता है उसको आपको टेंशन वाले साइन से डिनोट करना है, जो टेंशन मेंबर है उसको आपको कंप्रेशन वाले साइन से डिनोट करना है। दिस इज अ सिंपल पॉइंट दैट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, ओके, यस और नो, समझ में आ गया आपको यहां तक, समझ में आया नहीं आया, या अब भी कोई कंफ्यूजन है आपको, जिगर, ओके, गॉट इट, ठीक है, तो आगे बढ़े, अभी आगे बढ़े, अभी कंप्रेशन और टेंशन का, यहां पर आपका एक टेंशन खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। तो अब यहां पर क्या है, देखो, अब मुझे यह पता करना है, सबसे पहले तो हमें पता करना होता है इसके अंदर कि ये जो पर्टिकुलर मेंबर है, ठीक है, ये हमारे पास, सॉरी, बी मेंबर होगा ये, तो ये जो बी एल मेंबर है, ये सी एन मेंबर है, ये डी कोई मेंबर नहीं है, डी पी मेंबर है, ठीक है, डी पी एक मेंबर हो रहा है, ये ई आर मेंबर है, तो ये सारे जो मेंबर हैं, ये भाई ये कंप्रेशन में है या टेंशन में है, ये कंप्रेशन में है या टेंशन में है, हमें पहले ये पता करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसके सारे जितने मेंबर हैं ना, वो कंप्रेशन में होते हैं या टेंशन में होते हैं, हमें ये पता करना होता है। तो ये पता करने के कुछ तरीके होते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे अगर हम स्टील के हिसाब से बढ़े आगे, तो ट्रस में क्या होता है, जनरली जो टॉप कोड मेंबर होते हैं, टॉप कोड मेंबर जो होते हैं वो हमारे कंप्रेशन में होते हैं, और बॉटम कोड मेंबर जो होते हैं वो हमारे टेंशन में होते हैं, और यूजुअली मोस्टली ये जो स्ट्रट होते हैं ना, ये वर्टिकल मेंबर्स, ये स्ट्रट जो होता है वो कंप्रेशन में होता है, और ये जो हमारे ये वेब मेंबर्स होते हैं दूसरे, टाई, ठीक है, इसको हम टाई मेंबर्स कह सकते हैं या वेब मेंबर्स कह सकते हैं, ये जनरली टेंशन में पाए जाते हैं, ये ऐसा माना जाता है। ऐसा आप कंपलसरी नहीं होता कि हर जगह वो रूल अप्लाई करें, कंपलसरी नहीं होता है कि वो जो रूल है वो हर जगह यहां पर अप्लाई कर ले, ऐसा हो सकता है कि भाई ये मेंबर कंप्रेशन में आ जाए। तो ये जानने के लिए आपको मेथड ऑफ जॉइंट यहां पर अप्लाई करना होता है। कितने लोगों को मेथड ऑफ जॉइंट आता है, जरा बताइए मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू नोज मेथड ऑफ जॉइंट, कम ऑन, आंसर दिस क्वेश्चन, हरी अप, अनिर्बन कह रहे कि मैं जॉब करता हूं इसलिए थोड़ा आउट ऑफ कनेक्शन था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जॉब करते रहिए, ठीक है ना, आप जॉब कर रहे हो, बहुत नसीब वाले हो, जॉब करते रहिए और दिल से करते रहिए, कोई दिक्कत होती हो तो हमें पूछिएगा। नहीं आता, ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट मिहिर को नहीं आता, मेथड ऑफ जॉइंट सर ये एग्जाम्पल रहने दो, जयश कह रहे कि एग्जाम्पल नहीं रहे दो, अपने जिगर कह रहे कि नहीं आता, यश कह रहे नहीं आ रहा था, ठीक है, अच्छा ये जयश कह रहे कि एग्जाम्पल रहने दो, कितने लोग चाहते हैं एग्जाम्पल को रहने दो, डायरेक्ट पर्लिन सिखाइए, डायरेक्ट पर्लिन सीखना है आपको। सर इस बार आप DRCS के लाइव क्लास ले रहे क्या, हाँ मैं DRCS के लाइव क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, DRCS के लाइव क्लास में लेने वाला हूँ। आपका टर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, पता है आपको कुछ, आपका टर्म कब से स्टार्ट होने वाला है DRCS का, आनंद यादव को नहीं आता, निहारिका आपका DRCS का टर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, करवा दीजिए सर ये एग्जांपल, ठीक है मैं करवा रहा हूं आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है चलिए। इसके अंदर क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है, अब अगर आप मेथड ऑफ जॉइंट भी करोगे तो आपको ज्यादातर अगर उसमें ज्यादा कैलकुलेशन होता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर भी, इसलिए इसके अंदर GTO में इस तरह के एग्जाम्पल पूछे नहीं जाते हैं ना। चलो, तो आपको अगर मेथड ऑफ जॉइंट से ये समझना है कि भाई मेथड ऑफ जॉइंट से ये किस तरह से सॉल्व होगा,
है ना, मेथड ऑफ जॉइंट से किस तरह से ये सॉल्व होगा। अगर आपको ये सीखना है तो ये किस तरह से, देखो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हम इसको यूनिट लोड के लिए बनाते हैं, ठीक है, इसको हम यूनिट लोड के लिए बनाते हैं बी टैंक होने में। अच्छा ठीक है, तो यहां पर हम इसको यूनिट लोड के लिए बनाते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि ये क्योंकि हाफ पैनल पॉइंट है तो 0.5 ले लेते हैं, ये हम इसको 1 किलो न्यूटन, दिस इज 1 किलो न्यूटन, दिस इज 1 किलो न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 1, और हम इसको 0.5 भी कह सकते हैं, ये 1, ये 1, ये 1, दिस 1, सॉरी दिस 0.5। ओके, तो इस तरह से ये यूनिट लोड डायग्राम हो गया, एक यूनिट लोड डायग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेथड ऑफ जॉइंट को हम अप्लाई करते हैं। अब मेथड ऑफ जॉइंट किस तरह से अप्लाई किया, तो पर्टिकुलर जो भी जॉइंट है आपका, सबसे पहले तो मेथड ऑफ जॉइंट वहां अप्लाई करें जहां पर दो से ज्यादा अननोन्स ना हो। मेथड ऑफ जॉइंट सबसे पहले वहां अप्लाई करें जहां पर दो से ज्यादा अननोन्स ना हो, ठीक है, तो वहां पर आप आसानी से मेथड ऑफ जॉइंट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये पहला जॉइंट है, हमारा ए जॉइंट है, यहां पर देखो। हाँ सब, उससे पहले हमें रिएक्शन निकालना होता है। हाँ अच्छी, उसके पहले हमें क्या करना होता है, रिएक्शन, बिकॉज अगर हम यहां पे देखें तो ये एक रिएक्शन होगा इसका और ये एक रिएक्शन होगा इसका। अब ये रिएक्शन कितना होगा, तो क्योंकि हमने यहां पर ये यूनिट लोड डायग्राम देखा है, तो मैं आपको बता दूं टोटल हमारा जो लोड होगा कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 0.5, मतलब 1 किलो न्यूटन टोटल ऊपर से लोड आ रहा है। हमने इसको रिएक्शन कर लेना है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू, तो यहां पर इधर से 4 हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा, ये सिंपल हमने रिएक्शन निकाल लिया, ठीक है। ये हमने सिंपल क्या कर लिया, रिएक्शन निकाल लिया कि भाई 4 इधर से 4 उधर से, बिकॉज ऊपर से टोटल 8 आ रहा है हमारे हिसाब से, ठीक है, तो 8 आ रहा है तो 4 इधर से ले लिया, 4 इधर से ले लिया, ये हमने रिएक्शन निकाल लिया। अब यहां पर रिएक्शन निकाल लिया हमने, ये ऊपर से लोड है, अब ये एक मेंबर है हमारे पास और ये एक मेंबर है, ठीक है, ये एक मेंबर है और ये दो अननोन मेंबर यहां पर है, दो अननोन मेंबर्स यहां पर है हमारे पास, एक और एक, ठीक है। इससे ज्यादा मेंबर्स अगर होते तो वहां पर हम मेथड ऑफ जॉइंट को अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर दो यहां पर जो अननोन है, चलिए तो यहां पर क्योंकि आप देखो मैं इसको थोड़ा इसका एफबीडी बनाता हूं एक, ठीक है, ये एक मेंबर है, ठीक है, ये एक मेंबर है, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है, और ये ऊपर से लोड आ रहा है, चलिए दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इस ये जो मेंबर है हमारे पास, इसको मैं इस मेंबर को मैं दे देता हूं नाम, इस मेंबर को मैं नाम दे देता हूं, सॉरी इस मेंबर को मैं नाम दे देता हूं F1, इसको मैं दे देता हूं F1, ठीक है, इस मेंबर को मैं नाम दे देता हूं F2, समझ में आ रही मेरी बात आपको। F1 मैंने नाम दे दिया, इसके अंदर मुझे फोर्स निकालना है, इसको F2 नाम दे दिया मैंने, ये मुझे पता है F2। अब देखो यहां पर ये एंगल कितना है, इसको हम यहां पर अभी क्योंकि हम इसको जनरली अल्फा कहते हैं, तो अल्फा रहने देते, अल्फा लो या थीटा लो जो भी आपको लेना है, मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। तो यहां पर अब ये एंगल कितना है ये पता करना हो, तो हम ये पता कर सकते नहीं कर सकते, ये हम पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि ये एंगल कितना है। देखो ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग होगा लेकिन सुनिएगा मेरे ध्यान से बात, आपको ये समझना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मुझे बताइए फटाफट कि ये जो थीटा है या अल्फा है हम किस तरह से निकालेंगे, ये आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, सिंपल चीज है। हमने इससे पहले जो एग्जांपल सॉल्व किए थे उसके अंदर हमने क्या किया, राइज अपॉन स्पान बाय टू, राइज अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू राइज अपॉन स्पान बाय टू एंड अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ दिस रेशियो, समझ आ रही मेरी बात आपको। देखिए मैं बता रहा हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू राइज अपॉन एस बाय टू, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं राइज हमारे पास कितना था, राइज हमारे पास कितना था, चलिए सीखने वालों को बोरिंग नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है आपकी, हमारा राइज कितना था 4 मीटर का, ठीक है, तो राइज हमारे पास हाँ ये 10 इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाय स्पान हमारे पास 20 था मतलब 10, इससे आपको जो है थीटा की वैल्यू मिलेगी, इससे आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो मुझे ये थीटा की वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके कितनी आ रही है, हरी अब कैलकुलेटर अपना घुमाओ, अब बताइए मुझे थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। डिजाइन ऑफ पर्लिन भी सीखना है, सिंपल है बॉस, बहुत सिंपल है, ठीक है। और मैं तो यही चाह रहा था कि हम अगर ग्राफिकल मेथड ना ही करें तो बढ़िया रहेगा क्योंकि उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसके अंदर डीप में जाऊंगा भी नहीं, ठीक है। अपन जो है इसके अंदर इसको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इसके अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद हम डिजाइन ऑफ पर्लिन की ओर आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमें करने हैं, ठीक है। इंडस्ट्री बिल्डिंग और ज्यादा टाइम हम इसके अंदर दे भी नहीं सकते और देने की जरूरत है भी नहीं, इंडस्ट्री बिल्डिंग खत्म करके हमने फिर बाद में गैंट्री गर्डर को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चलिए तो टेन थीटा तो वही का वही रखने दीजिए, नहीं चलो 21.80, ओके ये आ रहा है आपका 21.80 डिग्री, ठीक है, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका थीटा हो गया। अब देखो करना क्या है आपको, ये आपका जो है
ये मेंबर है। अब हाँ, इसके इसके लिए आप और एक चीज, आपको धीरे धीरे आपको चीज अब समझ में आ रही है कि ठीक हो, यहां पर ये मेंबर है। तो जब भी हम मेथड ऑफ जॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व कर रहे हैं हमें, तो इन मेंबर्स के हमें कुछ डायरेक्शन पहले एज्यूम करने होते हैं। इन मेंबर्स के हमें डायरेक्शन पहले कुछ एज्यूम करने होते हैं कि भाई ये डायरेक्शन कौन से होगी। तो हम मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन यहां है और इसकी डायरेक्शन यहां पर है। इस तरह से हम मान लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहे हैं ए की तरफ, और ये ए से दूर जा रहा है। हम अभी एज्यूम कर लेते हैं, ये अभी हमने कंफर्म नहीं किया है कि यही होगे, हमें पता भी नहीं कि ये डायरेक्शन हमने कंसिडर किया ये सही है या गलत है। जब हम मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करते हैं ना, तो अगर वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है, इसका मतलब जो हमने यहां पर साइन कंसिडर की थी उसके अपोजिट साइन यहां पर आनी चाहिए। अगर माइनस में आ रही है तो, अगर प्लस में आ रहे तो जो हमने कंसिडर की थी वो बिल्कुल सही है। ये सिंपल तरीका होता है, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बताता हूं आपको किस तरह से करना है ये सब चीजें। इसको मैंने F1 कंसिडर किया था, इसको मैंने F2 कंसिडर किया था। तो अब क्योंकि ये इंक्लाइन मेंबर है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा, F1 साइन थीटा, ये सिंपल मैथमेटिक्स चालू हो रहा है यहां से अब, ठीक है। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा इसका, F1 कॉस थीटा। ये तो आपको पता होगा ना, इतना सिंपल चीज है ये, ठीक है ना, यस और नो, ठीक है। तो ये हमने यहां पर निकाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, F1 कॉस थीटा है, F1 साइन थीटा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम के यहां पर दो इक्वेशंस हो गए, एक तो होगा Fx = 0 और दूसरा होगा Fy = 0। ये जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके फोर्सेस है या लोड है उसको हम Fx मानते हैं, इक्वल टू उसका समेशन 0। उसके बाद दूसरा होगा Fy, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उसका समेशन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके इस तरह से लोड हो गए, ओके। शंकर नारायण, F1 = 9.42 किलोन्यूटन कंप्रेशन में, F2 = अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। आपको आता है मतलब, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता है ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये Fx, अब हम क्या करते हैं पहले तो, हाँ सब करवाएंगे, ठीक है सब करवाएंगे आपको। तो हम क्या करते हैं पहले तो Fy जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे हैं उसका समेशन कर लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन कर लेते हैं। चलिए तो वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि एक ये वर्टिकल है 4 किलोन्यूटन का, ठीक है, ऊपर से 0.5 किलोन्यूटन का आ रहा है, और ये F1 sin थीटा आ रहा है। चलिए तो हम वर्टिकल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये 0.5, ठीक है, ये नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, हम मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा और ये इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब F1 sin थीटा भी नीचे, तो प्लस हम यहां पर ले लेते हैं F1 sin थीटा, ठीक है। और इसके बाद दूसरा वर्टिकल है ये है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दोनों के अपोजिट, मतलब -4 - -4 = 0। ये सारे जो वर्टिकल कंपोनेंट थे हमने यहां पर ले लिए। समझ में आ रहा है आप सभी को, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। हमने क्या किया, वर्टिकल कंपोनेंट 0.5 था, वर्टिकल कंपोनेंट F1 sin थीटा था, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो हमने उनको दोनों को प्लस साइन से डिनोट किया यहां पर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में था 4 का, ये हमने इसको यहां पर कर लग। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको नेगेटिव ही लो, जरूरी नहीं कि आप इसको पॉजिटिव ले, अब ये जो साइन है आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो हमने क्या, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर मैथमेटिकल चीज आपको अप्लाई करनी होती है ना, इसलिए लोग यहां पर जो है थोड़े वो हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इतना बोरिंग कुछ हो भी सकता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पर आपको दिखाई देगा शायद, चलो ठीक है। जहां पर भी आपको लगे कि सर ये ऊपर से जा रहा है ना, तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, मैथ्स होती है ऐसी चीज है। हाँ तो ये हमारे पास था 0.5 + F1 sin थीटा - 4 = 0, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, F1 sin थीटा - 3.5 = 0, ठीक है। अगर हम इसको ऑल सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, F1 sin थीटा = 3.5, और अगर इसको F1, क्योंकि हमें F1 निकालना है, तो F1 क्या हो जाएगा, F1 = हो जाएगा 3.5 / sin थीटा। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हियर, ठीक है, हम थीटा जानते हैं। हम क्या करेंगे यहां पर, F1 = 3.5 / sin 21.80 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए कितनी आ रही है, जल्दी करो। तमल आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए, वेलकम। अगर कंप्रेसिव फोर्स पॉजिटिव लिया है तो टेंशन को नेगेटिव लेना है, हाँ हाँ
कंप्रेसिव फोर्स पॉजिटिव और टेंशन नेगेटिव, ठीक है, ये सही बात है आपकी। चलिए तो मुझे इसका कैलकुलेशन करके जवाब बता दीजिए कितना आ रहा है। हरी अब, हरी अब। और मैथ्स वैसे मेरा भी इतना मजबूत नहीं है, तो आप जिसको मैथ्स नहीं आता है ना वो निराश होने की उसको बिल्कुल जरूरत नहीं। मैथ्स जिंदगी नहीं है, मैथ्स इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है, मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। मैथ्स अगर आपको नहीं आता है, अगर आप मैथ्स के अंदर वीक हो तो भाई कोई बात नहीं, चलेगा, आप कुछ भी थोड़ा मोट गोते मार मार के उसके अंदर पास हो जाओ, दैट इज इनफ। मैथ्स में आपको होशियार होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि यार मुझे मैथ्स नहीं आता है तो मेरा क्या होगा आगे, भाई जिसको मैथ्स नहीं आता था सात सात बार आठ आठ बार उनकी बैकलॉग लगी है इसके अंदर, वो लोग आप बहुत आगे पहुंच चुके हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो तो मैथ्स के अंदर अभी मैं देख रहा हूं, मैं मुझे पता है कि मैथ्स के अंदर बहुत लोगों की पकड़ जो है वो कम होती है, इवन मेरी भी, ठीक है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। चलिए ठीक है, मुझे पता है कि मेरे जो मैथ्स से मेरे पढ़ाई के टाइम में मेरे मैथ्स किस तरह से निकले हैं, मुझे खुद पता नहीं आज तक चला कि मैंने ऐसा क्या करके आया, क्योंकि मैथ्स के अंदर मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट हुआ करता था। तो भैया ऐसा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या आंसर आ रहा है आपका, 9.42, 9.42 किसी कारण, किसी का 9.85 आ रहा है, जब मेजोरिटी मुझे मिल रही है, अच्छा मेजोरिटी मतलब तमल की जवाब दे रहे मुझे बाहर, 9.42 इज द करेक्ट आंसर आई थिंक, या चलिए तो 9.42 ये आपका यहां पर लोड आ चुका है, ये आपका फोर्स है, ये F1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, आपको ये F1 की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज नथिंग बट 9.42। ओके, आपको यहां से F1 मिल चुका है, F1 को यहां पर आप अपने बुक में डिनोट नोट कर लीजिएगा और उसको यहां पर एक इसका इस तरह से स्क्वायर बॉक्स के अंदर उसको बना दीजिए। जब भी आप पेपर भी लिखो अपना एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर भी जहां जहां आपकी वैल्यू जो जो उन्होंने पूछी होती है उन वैल्यूज को जरूर से स्क्वायर बॉक्स बना दो, ताकि एग्जामिनर जो चेक करता है ना वो समझ लेता है कि यार ये बॉक्स के अंदर यही वैल्यू जो वैल्यू पूछी थी शायद यही वही है, मतलब उसको पता लग गया कि भाई इसने ये फाइंड आउट कर रखा है। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं वो वैल्यू चेक भी नहीं करते कि वो कितनी वैल्यू आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जस्ट वो उसने कैलकुलेट किया है, दैट इज ओके, वो उसको राइट दे देते आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार, तो आप भी इसको है ना अच्छी तरह से हाईलाइट करो कि ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर रखी इस तरह से, ये एक एग्जाम, ये एक तरीका अपनाइए, ठीक है। चलिए तो हमने यहां पर F1 की वैल्यू निकाल ली है ना, F1 की हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें क्या करना है, F1 की वैल्यू, हाँ क्योंकि देखो यहां पर F1 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, F1 की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या है कि मैंने के साइन यहां पर क्या किया था, साइन मैंने इस तरह से ली थी, मैंने साइन जो है इस तरह से ली थी, समझ आ रही मेरी बात आपको। अब मुझे बताएगा कोई कि ये साइन मेरी कंप्रेशन की है टेंशन की है, ये इस तरह से साइन हो रहा है तो ये कंप्रेशन है या टेंशन है, पहले ही मैंने आपको बता दिया साइन कन्वेंशन को लेकर, तो ये कोई बताएगा आप में से मुझे कि ये साइन जो मैंने यहां पर डिनोट की है ये कंप्रेशन है या टेंशन है, जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। टेंशन है, तमल कह रहे टेंशन, तमल आप बाद में आओ, मैं आपकी दिक्कत को समझ सकता हूं, ठीक है। बाकी लोग तमल मैंने इसलिए आपको कहा क्योंकि ये आपने पहले हमारे पहले इस चीज को नहीं देखा, सारे के सारे लोग टेंशन कह रहे, मिहिर भी टेंशन, अनिर्बर भी टेंशन, हाउ इट इज टेंशन मैन, मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग के अंदर कि यहां पर आपको जस्ट अपोजिट कंसिडर करना है, मैंने आपको पहले क्या बताया था इसमें कि भाई यहां पर एक जो फोर्स, अब ये एक आपका कंपोनेंट है, ये मेंबर है कोई, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं तो अंदर से टेंशन क्रिएट होगा, अगर मैं यहां पर टेंशन फोर्स लगा रहा हूं तो अंदर से जो अंदर से क्रिएट हो रहा है दैट इज अवर साइन ओवर हियर, यहां पर क्योंकि कंप्रेशन लग रहा है, यहां पर कंप्रेशन लग रहा है तो यहां पर साइन जो है ये टेंशन की बतानी होगी हमें अपोजिट डायरेक्शन में, समझ आ रही मेरी बात है आपको, 100% कंप्रेशन है लेकिन यहां पर जो साइन होगी वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में बतानी होगी इन टर्म ऑफ ट्रस ओनली, ये आपको मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया था, उसके बाद भी अभी आप उसके अंदर कंफ्यूज हो, जहां भी कंप्रेशन हो वहां पर टेंशन की साइन बताइए, जहां भी टेंशन हो वहां पर कंप्रेशन की साइन बताइए, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विच इज डेवलपिंग इनसाइड द कंपोनेंट, इनसाइड द मेंबर। ओके, हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो क्रॉस सेक्शन के अंदर न्यूटन ने कहा है कि ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब आगे से अगर बाहर से कंप्रेशन का एक्शन हो रहा है तो अंदर से टेंशन का रिएक्शन होगा, अगर बाहर से टेंशन का एक्शन हो रहा है तो अंदर से कंप्रेशन का रिएक्शन होगा, इस तरह से आपको इस चीज को समझना होगा, है ना। चलिए तो ये मैंने इसका मतलब ये कि मैंने इसको कंप्रेशन में कंसिडर किया था और ये इसकी वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही, मतलब जो डायरेक्शन मैंने ली थी वो बिल्कुल सही है। और यहां पर एक रूल लगा लो, पहले मैंने आपको बताया था कि जो टॉप कोर्ट मेंबर्स होते हैं दे आर यूजुअली और जनरली इन द कंप्रेशन, मैंने आपको पहले बताया था हमारे टॉप कोर्ट मेंबर्स है ना कंप्रेशन में होते हैं, तो वो चीज यहां पर देखो समझ में आ गई आपको, ये क्योंकि हमारा ये जो MN, सॉरी हमारा जो BL मेंबर है
ठीक है, बीएल मेंबर हमारा जो प्रिंसिपल राफ्टर का है वो जो है यहां पर कंप्रेशन मेंबर में आ रहा है। इसका मतलब वो जो कंसेप्ट था वो यहां पर सही हो रहा है कि भाई ये जो है कंप्रेशन में रहेगा, सिंपल चीज है ना, ये कंप्रेशन में रहेगा। अब हम बात करते हैं F2 के बारे में, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं F2 के बारे में, तो देखो F2 के अंदर भी बहुत सिंपल चीज है ना। मैं F1 को ऐसे रहने देता हूँ, F2 की हम बात कर लेते हैं। चलिए अब देखो हमें पता है कि ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है F1 का, F1 cos थीटा, और ये भी एक हॉरिजेंटल है मेंबर, ये भी एक हॉरिजेंटल मेंबर है, ठीक है, ये भी एक अच्छा चलिए मैं एक काम कर देता हूँ, यहां पर इसको इस तरह से इसको भी अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं अंदर की साइन ले लेता हूँ, मतलब इसको भी मैं कहता हूँ कि भाई ये भी कंप्रेशन में, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ सेट करके यहाँ पर। चलिए मान लेते हो कि मैं इसको भी ये कंप्रेशन में, ठीक है, तो अब क्योंकि ये भी अंदर कंप्रेशन में था, ये भी कंप्रेशन में, तो अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर F1 cos थीटा और ये F2, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। अभी मैं हॉरिजॉन्टल की, हमने पहले क्या किया, वर्टिकल, हमने FY = 0 जो वर्टिकल मेंबर्स थे उन सभी को हमने यहां पर ऐड कर दिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट FX, मतलब हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है हमारे उन सबका समेशन में करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर कितना है, एक तो F1 cos थीटा है, दूसरा F2 है, तीसरा तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां से लग नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को समेशन कर देंगे, F1 cos थीटा प्लस, क्योंकि ये भी जो डायरेक्शन में ये जा रहा है मैंने कंसिडर किया है, मैंने एज्यूम किया है कि वही डायरेक्शन में ये भी होगा। अब ये गलत है या सही है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो ये F2 भी है, तो प्लस F2 = 0, ये मेरा यहां पर एक इक्वेशन बनता है सिंपल सा। अब मुझे क्या करना है, मुझे F2 पता करना है, मुझे क्या करना है F2 पता करना है, या मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं भाई कि F2 = -F1 cos थीटा, F2 = -F1 cos थीटा। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है ना, ऊपर से कोई चीज जा नहीं रही आपकी, कुछ अगर बाउंस जा रहा तो बता दीजिए मुझे। हाँ तो जिगर पटेल का आंसर आ चुका है, F2 = इट शुड बी इन नेगेटिव एज पर अवर डायरेक्शन एजम्पशन, ओके -8.7, ओके -8.746। अब देखो यहां पर माइनस साइन आ रही है, इट मींस दैट कि जो हमने ये डायरेक्शन कंसीडर की है दैट इज रॉन्ग, इसकी अपोजिट डायरेक्शन यहां पर होनी चाहिए, इसकी अपोजिट डायरेक्शन यहां पर होनी चाहिए, हमें ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू बता रही है। तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा कि ये हमें ये मानना होगा कि भाई ये जो है हमारा टेंशन में हो रहा है, ये हमारा कौन से में, कौन से फोर्स में है, नेचर क्या है इसका, टेंशन फोर्स है यहां पर, ये समझ में, ये अंदर है, देखो ये अंदर की वैल्यू जा रही है, वैसे बाहर से ये कंप्रेस हो रहा है लेकिन अंदर से इसके अंदर टेंशन हो रहा है, तो ये टेंशन की साइन यहां पर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको यहां पर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, F2 मेंबर और ये F1 दो जो सॉरी हमारे पास BL मेंबर और LK मेंबर, ये जो हमारे पास दो मेंबर थे, ये हमने जो है इसको यहां पर निकाल लिया कि भाई, और ये वो मैंने आपको जो पहले थंब रूल बताया था हमारा कि भाई टॉप कोड मेंबर कंप्रेशन में होते हैं, तो ये यहां पर राइट हुआ, सेट हो गया यहां पर कि भाई कंप्रेशन में है, बॉटम कोड मेंबर जो है हमारे वो टेंशन में होते हैं, तो ये टेंशन में आ गया एज पर अवर कैलकुलेशन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बॉटम हमारे जितने भी मेंबर्स हो सारे, ये सभी के सभी जो है यहां पर कंप्रेशन में हो गए, और जो बॉटम में जितने भी मेंबर्स हैं यहां पर सारे के सारे टेंशन में हो गए, दैट इज प्रूव्ड थ्रू दिस वैल्यूज एंड अवर assumptions, राइट और नॉट। यहां तक समझ में आ गया आपको, यस और नो, कितने लोगों को समझ में आ गया, समझ में आया तो यस लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, इस वीडियो को लाइक करो, समझ में नहीं आया तो मुझे सवाल पूछो अपने जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर। हरि अब तमल, ओके शंकर नारायण, एरो टुवर्ड्स जॉइंट इज कंप्रेशन एंड अवे फ्रॉम जॉइंट इज टेंसाइल, ओके ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है, ये भी आप सोच सकते हो, इसको भी आप याद रख सकते हो, तरीके अपने बहुत होते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसान पड़ता है, तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। चलिए दैट्स ऑल, चलिए तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, तो हमने क्या किया कि भाई ये जो है हमारा कंप्रेशन में होगा, ये भी कंप्रेशन में होगा, ये भी कंप्रेशन में होगा, ये भी कंप्रेशन में होगा, दिस विल ऑल्सो इन कंप्रेशन, 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 ठीक है, अगर मैं सही जा रहा हूं तो। समझ में आ गया आप सभी को, ओके मेरे को मेथड ऑफ सेक्शन समझ में नहीं आता है, मेथड ऑफ सेक्शन एक अलग चीज, देखो मेथड ऑफ सेक्शन मैं आपको करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना, मेथड ऑफ सेक्शन करवाऊंगा तो फिर बहुत ना। अब देखो छोटा सा एक मैंने यहां पर एक जॉइंट लिया, छोटा सा जॉइंट लिया मैंने, इसके अंदर कैलकुलेट किया, तो कितने लोग इसमें कंफ्यूज हुए, कितना हमारा समय, अब तकरीबन एक घंटा लेक्चर को होने आ रहा है, तो अभी तक हमने इतना ही सॉल्व किया। अगर मैं मेथड ऑफ सेक्शन में जाता हूं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अभी तो मैं बात कर रहा हूं दूसरा, अभी तो दूसरा हमें जॉइंट पकड़ना है,
दूसरा जॉइंट अभी बाकी है, जिसके अंदर देखो यहां पर हमने ये देखा कि भाई हमारे पास ये जो है ये F1 हमने लिया था, दैट इज इसकी वैल्यू क्या आई थी, 9.42 आ रही थी, ये मेंबर हमें पता चल गया, ये मेंबर हमें पता चल गया। लेकिन अभी जो इंक्लाइन मेंबर है ये वाला, ये मेंबर की साइन हमें पता करनी है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो वर्टिकल मेंबर है, ये मेंबर, हाँ वर्टिकल मेंबर के बारे में आप एक बात बता दूं कि जहां भी ऐसा कोई सेक्शन बन रहा हो जो कोलिनियर हो, जो मतलब एक ही लाइन में, प्लेन में उनके लाइन ऑफ एक्शन अगर आती हो, जैसे कि ये और ये, ठीक है, कोलिनियर है और परपेंडिकुलर मेंबर हो, तो यहां पर ये जो फोर्स है ऑलवेज नल हो जाता है, जीरो फोर्स। यहां पर इस मेंबर में क्या फोर्स होगा, इस वर्टिकल मेंबर में जीरो फोर्स होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जहां भी ऐसी कंडीशन आ रही है जैसे कि दो कोलिनियर फोर्सेस है और उसके बीच में एक वर्टिकल या परपेंडिकुलर मेंबर है, तो उस परपेंडिकुलर मेंबर के अंदर वैल्यू फोर्स की जीरो होगी हमेशा, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा ऐसा कौन सा मेंबर है इस पूरे ट्रस के अंदर, तो हम कह सकते हैं ये वाला मेंबर, ये वाला मेंबर देखो यहां पर दो कोलिनियर मेंबर्स है और यहां पर ये वर्टिकल मेंबर, इसके अंदर जीरो हो जाएगा। दिस इज द सिंपल थिंग, ओके, दैट यू मस्ट नो। ये आपको समझ में आ गया इतना। अब इंक्लाइंड मेंबर की बात करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंक्लाइंड मेंबर। तो भैया इंक्लाइंड मेंबर के अंदर भी आपको मेथड ऑफ जॉइंट ही लगाना होगा, इंक्लाइंड मेंबर के अंदर भी आपको मेथड ऑफ जॉइंट ही लगाना होगा। सेम इसी तरह से आपको Fy F2 की वैल्यूज निकालनी होगी। अब देखो क्योंकि यहां पर जो है हमें ये तो पता है कि भाई ये डायरेक्शन इसकी कंप्रेशन होगी, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मेंबर, व्हाट इज द फोर्स वैल्यू ऑफ दिस मेंबर, ये हमें पता नहीं है, तो हमें ये भी निकालना होगा। मतलब क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है, तो हमें ये पता है, ठीक है, हमें ये पता है यहां पर ये एक मेंबर है, दूसरा मेंबर है। अब ये दो मेंबर के अंदर हमें जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एजम्पशन ले ले रहा हूं। अगर आप एग्जाम के अंदर भी इसको इस तरह से सवाल आपको, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर आप इस तरह से इन मेथड्स को, इन जॉइंट्स को आप अगर सॉल्व करते जाओगे, तो डेफिनेटली आपको मिनिमम इसके अंदर 30 मिनट लगेगी कैलकुलेशन में, और वो भी आप उसके अंदर इतना सारा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, यहां पर ये एक सिंपल सा थंब रूल है, उसको लगा दीजिए कि टॉप मेंबर्स आपके सारे के सारे जो है वो कंप्रेशन में होते हैं, और बॉटम कोर मेंबर्स जो है वो आपके टेंशन में होते हैं, जो आपके स्ट्रट होते हैं वो यूजुअली आपकी कंप्रेशन में होते हैं, इंक्लाइन मेंबर आपके यूजुअली टेंशन में या कंप्रेशन में पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन शॉर्ट यहां पर आप इसे कंप्रेशन कंसिडर कर लो तो भी चलेगा, आप इसे अगर टेंशन कंसिडर कर लो तो भी चलेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो इस चीज को चेक करेगा जो फैकल्टी, वो भी उसको ये, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होते हैं आप इसको या तो मेथड ऑफ जॉइंट से करो, मेथड ऑफ सेक्शन से करो, या फिर आप जो है इसको स्टेड प्रो या ETAP से। आजकल क्या हो रहा है कि ये जो ट्रस एनालिसिस होते हैं जनरली ये इनके अंदर कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस हो जाता है, तो इसको सॉफ्टवेयर से बना एनालाइज किया जाता है, जैसे कि स्टेड प्रो है, ETAP हुआ, तो इन सॉफ्टवेयर के अंदर भी पता चल जाता है भाई कि ये कंप्रेशन कौन सा मेंबर में होगा, टेंशन कौन सा मेंबर में होगा, कितना फोर्स कौन सा मेंबर लेगा, दैट इज ऑल द सिंपल थिंग, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मैं एजम्पशन ले ले रहा हूं, ओवरव्यू आपको जिसने आप ये कहा ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इसको आप जो कंप्रेशन में ले लो, इसको कंप्रेशन में ले लो, इसको टेंशन में ले लो, ठीक है, इसको टेंशन में ले लो, सारे मेंबर्स को आप इस तरह से एरो यहां पर आप बना दो, ठीक है, एरो इस तरह से आप बना दो, ओके। तो ये हमने यहां पर इस तरह से डायरेक्शन का काम कर लेना है, मैंने आपको ये एक ओवरव्यू दे दिया इसका बेसिक ऊपर से, ओके। एग्जाम के अंदर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर GTU के अंदर ऐसा कोई एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आपको मेथड ऑफ जॉइंट को लेकर इतना गंभीरता से इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको अपनी तरह से एज्यूम कर लेना है और आगे बढ़ना है। अगर आप मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर पढ़ोगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपका आधा घंटा कहीं नहीं गया, ठीक है, हाफ आवर आपका कहीं नहीं गया, जो कि टाइम की समय की बर्बादी है। अगर आप इसके ऑप्शन में कोई दूसरा सवाल आता है तो उसे प्रीफर कीजिएगा, लेकिन अगर ये कंपलसरी है तो आपको इसके बारे में समझना चाहिए, ठीक है, एज्यूम्शन कर लीजिए, आगे बढ़ लीजिए, दैट्स ऑल, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। जिगर कह रहे हैं कि सर इसके बारे में स्टेट प्रो में पॉसिबल है तो सिखा दीजिएगा। स्टेट प्रो में इसके बारे में मैं अभी आपको पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टेट प्रो का हम अलग से कोर्स अभी लॉन्च करने वाले हैं हमारे टेक्निकल सिविल चैनल के ऊपर, तो आपको जो है वहां पर मैं आपको सारी चीजें उस कोर्स के अंदर बता दूंगा, ठीक है। फैकल्टी दूसरी होगी, फैकल्टी में नहीं होगा उसके अंदर, इसलिए आप उसकी चिंता मत करो, ओके। चलिए समझ आ रहा है मेरी बात आपको, ओके। यकीन कह रहे कि इंक्लाइन मेंबर वुड बी इन कंप्रेशन और टेंशन, इट कैन बी इन कंप्रेशन और एज इन टेंशन एज वेल, आप एज्यूम कर लो अगर तो भी चलेगा, अगर एजम्पशन नहीं ले सकते हो
तो आपको फिर वो मेथड ऑफ ज्वाइंट अप्लाई करो। मेथड ऑफ ज्वाइंट अप्लाई करने के बाद पहले इस मेंबर को निकालो, सी एन मेंबर को, उसके बाद एम एन मेंबर को निकालो, और मेथड ऑफ ज्वाइंट के बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कंप्रेशन आ रहा है या टेंशन आ रहा है। लेकिन अगर आपको इतना झमेले में नहीं पड़ना है तो आप एक काम करो, इसको यहां पर कंप्रेशन या टेंशन एज्यूम कर लो, ठीक है, या कंप्रेशन एज्यूम करना तो एज्यूम कर लो, ठीक है, और आगे बढ़ो। दैट सिंपल थिंग, ओके। चलिए, अगर आपको बिल्कुल वर्क के हिसाब से प्रोफेशनली इसको अगर डिजाइन करना है, देन यू मस्ट गो फॉर स्टैट प्रो और इटेप्स टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स और डिफिकल्टीज, ओके। अदरवाइज मेथड ऑफ ज्वाइंट तो है ही, और मेथड ऑफ सेक्शन भी आपके पास, तो आप कर सकते हो उसके अंदर, ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। हाँ, आप तो हमने यहाँ पर इसका एक पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर ज्योमेट्री इसकी देख ली भाई, कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स के क्या क्या नामकरण है, और हमने इसकी डायरेक्शन हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर मेन चीज अब शुरू होती है। अब आपको क्या करना होता है, इसका एक स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करना होता है डेड लोड और लाइव लोड के लिए। और हाँ, विंड लोड की अगर बात करूं मैं, तो विंड लोड के अंदर इसके अपोजिट हो गए सारे, क्योंकि विंड लोड का जो लोड है वो ऊपर की दिशा में होगा, ठीक है, तो वो अपोजिट हो गए सारे। ये यहाँ पर बॉटम में, ये डाउनवर्ड साइड में लग रहे हैं, इसलिए ये जो है बॉटम में जो है ये डाउनलोड साइड में जो है ये लग रहा है हमारे डेड लोड लाइव लोड डाउनलोड, ठीक है, ग्रेविटी के लिए, और वो विंड लोड है इसलिए वो अपर लग रहा है, तो उसको लिए उसको आपको ये सारे जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, अपोजिट हो जाएगी, बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन दैट केस विंड लोड, ओके। चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेस डायग्राम फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड। अब ये जरा जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लीजिएगा ध्यान से मेरी बात, ठीक है। एक इजी की पॉइंट ऑफ की इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपने पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आपने पढ़े होंगे, तो उसके अंदर ये जो है उसके रिलेटेड चीजें हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, जब आप डेड लोड और लाइव लोड के लिए एक स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको अंदाजन एजम्पशन के बेसिस पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है ना। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं अप टू स्केल नहीं जाऊंगा, अप टू स्केल में नहीं जाऊंगा। अप टू स्केल अगर आपको देखना है तो हमारा वीडियो है, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अप टू, अब क्या करना है आपको, देखिए मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको ए, हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ठीक है, हमने ए पॉइंट यहां पर दे दिया, दैट इज अवर ए पॉइंट। एक मिनट, मैं जरा रिफिल इसकी फिलअप कर लेता हूं, वरना आपको फिर जो है इसमें लाइट दिखने लगेगा, मतलब प्रॉपर दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तब तक आप लोग जरा हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्टेट प्रो हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं हमारा सॉफ्टवेयर, एक्चुअली सॉफ्टवेयर नहीं कोर्स हमारा, एक्चुअली ईटैप्स अभी चालू है हमारा, तो ईटैप्स, हाँ ईटैप्स का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप में से अगर कोई, क्योंकि आप लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो, तो मैं आपको समझाना चाहता था ये बात, कि अगर आप बाहर जाओगे भी अभी, तो क्योंकि ऑलमोस्ट साइंस डिजाइन जो अभी हो रही है वो कंप्यूटर बेसिस पर हो रही है, ठीक है, एनालिसिस वगैरह, तो आपको अभी सॉफ्टवेयर सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बाहर से सीख सकते हो तो बाहर से सीखिएगा, ठीक है, अगर आपके नज़दीक में कोई हो तो। और अगर आपको हमसे सीखना है, टेक्निकल सिविल पे आपको भरोसा है, आपको अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ना, तो आप हमसे सीख सकते हो। सारी चीज़ें जो है उसके अंदर मैं अप्लाई को दे रहा हूँ। हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर हमारे बैच का रजिस्ट्रेशन या ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के ऊपर इसका वीडियो भी मैंने अलग से डाल रखा है, आपने देखा होगा शायद, तो आपको पता चलेगा। ईटैप्स एक बहुत ज़रूरी सॉफ्टवेयर हो गया, स्टैट प्रो भी ज़रूरी सॉफ्टवेयर है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और विथ ऑटोकैड प्लस ऑटोकैड, ठीक है। एनी प्लान फॉर रेविट और आर्किटेक्ट, नहीं रेविट आर्किटेक्चर अभी कोई प्लान उसका नहीं है मेरे पास, ठीक है, रेविट आर्किटेक्चर का कोई प्लान अभी नहीं, जब भी होगा मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, ओके, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। मिहिर गुजराती, यकीन बोल रहे कि सर बैच स्टार्ट, बैच प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, अभी उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अभी उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, बैच प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। तो पहले अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताइए अपना इंटरेस्ट, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, मुझे मैसेज करें, हमारा वीडियो देखिए हमारे चैनल के ऊपर, एप्लीकेशन की भाई किस तरह से क्या है, ऐप में सवाल क्या है, ऐप में सवाल मतलब ऐप के कौन से सवाल की बात कर रहा हूं। चलो खैर जो भी है, हम यहां पे थे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट ए यहां पर रखना है, और ये जो है अप टू स्केल आपको करना होता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये, हम स्केल क्या ले लेते हैं यहां पर, कि भाई एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलो न्यूटन, मतलब अगर 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा एक 0.5 किलो न्यूटन है, ठीक है, अगर ये 1 किलो न्यूटन, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर,
ये सिंपल सा स्केल कन्वर्जन हो गया, ठीक है, स्केल हो गया हमारा। चलिए तो हम यहां पर स्केल ले रहे भाई कि हाँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोन्यूटन। तो यहां पर जो ए पॉइंट है, यहां पर 0.5 का लोड लग रहा है, यहां पर क्या है 0.5 का लोड है। तो यहां पर आपको सिंपली जाना है 1 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर नीचे जाना है। और फिर आपको क्या करना है, या बी पॉइंट ड्रॉ करना है, यहां क्या करना है आपको, बी पॉइंट ड्रॉ करना है। ओके, यहां मैम बी दे रही है। उसके बाद बी और सी के बीच में जो है वो 1 किलो न्यूटन का लोड है, मतलब आपको 2 सेंटीमीटर नीचे जाना है, आपको 2 सेंटीमीटर नीचे जाना है, और यहां पर सी पॉइंट दे देना है। आपको सी और डी के बीच में 1 किलो न्यूटन का लोड है, तो आपको 2 सेंटीमीटर और नीचे जाना है, और आपको डी पॉइंट वहां पर दे देना है। इसी तरह से आपको सारे पॉइंट के स्केल लेकर यहां पर यहां सारे पॉइंट रख देने इस स्ट्रेट लाइन के अंदर। पूरी स्ट्रेट लाइन में नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं एक ओवरव्यू दूंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। अगर आपको पूरा देखना है तो हमारा वीडियो है इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि हमारे वीडियो इसके ऊपर नहीं है, ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए एक बार, अगर फिर भी उसके अंदर कोई कंफ्यूजन रहता है आपको, तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हो हमारे एप्लीकेशन के जरिए, या फिर हमारे कमेंट के जरिए, ईमेल के जरिए, बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो आप हमें एनी हाउ पूछ सकते हो। तो इस तरह से आपको सारे मेंबर्स यहां पर लिस्ट आउट करने हैं विद देयर पर्टिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है इतना, यस और नो? समझ में आ रहा है इतना, यस और नो? कंफ्यूजन, शिकायत, प्रॉब्लम, क्वेरी कुछ भी हो तो बताइए मुझे, सब कुछ क्लियर है तो वो भी बता दीजिए मुझे। हरी अप, कंटिन्यू करें, ठीक है। और तो यहां तक हमने लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर जो है, अब मैं विदाउट स्केल जा रहा हूं यहां पर, वैसे मैं पहले से विदाउट स्केल ही था। तो हमने क्या माना कि ये हमारी लाइन है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट जे है, हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट जे है, ठीक है, और ये बीच में कहीं जो है हमारा पॉइंट के आर है, ये हमारा बीच में कहीं पॉइंट के आर है, ठीक है। अब करना क्या है हमें, हमें सिंपल यहां जो हमारा जो है बीएल, पहले हमें बीएल मेंबर हमारा यहां पर लोकेट करना है। व्हाट वी हैव टू डू इज बीएल मेंबर हमें यहां पर लोकेट करना है। तो ये ए पॉइंट है, और इसके नीचे कहीं बी पॉइंट था हमारा, इसके नीचे कहीं बी पॉइंट था हमारा। तो बीएल मेंबर, अब बी मुझे पता है लेकिन एल कहां पे होगा, तो बीएल मेंबर यहां पे मुझे लेना है पहले। तो मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन हमारी है, ये वाला जो मेंबर है, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन में, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन में यहां से खींचूंगा एक, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन यहां से खींचूंगा मैं, इस तरह से। समझ आ रही मेरी बात आपको, ठीक है। उसके बाद बिकॉज इट इज द सिमेट्रिकल एज बीएल, ये सिमेट्रिकल है, ये बारा पोर्शन भी पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो आई वाई है, आई वाई जो पोर्शन है, उसके लिए मुझे क्या करना है, अब आई वाई के ये जो पैरेलल है, यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। यहां पर ये आई है मेरा, ठीक है, यहां पर ये आई है, तो आई से पैरेलल एक लाइन खींचूंगा मैं। ये दो पॉइंट जहां मीट हो रहे हैं, ठीक है, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी बीच में, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट यहां जो मीट हो रहे हैं, अब मैं कह सकता हूं कि बी एल, ये क्या है मेरा बी एल हो गया इस तरह से, और ये क्या हो गया मेरा आई वाई, ये मेरा आई वाई हो गया इस तरह से, नीचे से आई वाई हो गया, इधर से बी एल हो गया। सिंपल चीजें हैं। अच्छा, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है इस चीज को बताइए मुझे, क्योंकि बहुत लोग कम हो चुके हैं, आप बताइए। वरना आप कहोगे सर क्या लोड दे रहे जबरदस्ती का, ये हम पढ़ लेंगे अलग से अगर, तो ठीक है, फिर हम डिजाइन ऑफ पर्लिन पे आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड है, अप टू स्केल में नहीं जा सकता, इसलिए मैं उसको ऊपर ऊपर समझा रहा हूं आपको, आपकी मर्जी क्या है, शुड आई एक्सप्लेन यू और नॉट। अनिल बन करेगा, टेंशन हो तो क्या आएगा, कहां पे टेंशन हो तो क्या आएगा, पहले बताइए मुझे, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। चलिए अब मुझे बात करनी है सी एन मेंबर की। नाउ वी विल टॉक अबाउट सी एन मेंबर और इधर से एच डब्ल्यू मेंबर। तो मैं मान लेता हूं कि सी मेरा यहां पर कहीं है, और मेरा जो है ये H यहां पर कही है, ठीक है, H मेरा यहां पर कही है। ये एक्चुअली है ना, मुझे इसके अंदर मेल नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा जरूर एक्सप्लेन फास्ट में रिवीजन ऊपर ऊपर से कर दीजिए, ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से कर देता हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, हमारे पास क्योंकि ये ऑलरेडी एक फिगर है, ठीक है, तो हम भी जो है, मतलब भगवान ने हमें भेजा है लेकिन बिना भेजे के भेजा है। एक मिनट अपन जो है थोड़ा इसका एक काम करते हैं, हाँ, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास ऑलरेडी ये फिगर एक है यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको आप समझा देता हूँ। इसके अंदर ये फिगर है, ठीक है, हमारे पास
इन्होंने क्या कर रखा है कि ये जो हमारा बी मेंबर है इसको यहां पर इसके पैरेलल, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये बी बी एल मेंबर। अच्छा, ऐसे ऐसे आपको कंफर्टेबल रहेगा ना, ऐसा आपको कंफर्टेबल रहेगा ना। तो ये बी एल मेंबर है, दिस इज व्हाट इट इज, बी एल मेंबर। तो ये बी एल मेंबर है, इसके बिल्कुल पैरेलल मैंने यहां से बी से एक लाइन निकाली, ठीक है, बी से मैंने एक पैरेलल लाइन निकाली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, और आई से जो है, ये मैंने आपको बताया कि आई वाई मेंबर है, तो आई से मैंने यहां से एक जो है एक आई से पैरेलल लाइन निकाली, और जो लाइन जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को टच क्रॉस कर रही है, तो वहां पर मेरा बी एल हो गया और यहां पर मेरा आई वाई हो गया। सिंपल चीजें थी। सिमिलरली मैंने सी एन के लिए किया, सी में से एक मैंने लाइन क्रॉस की इसके सी एन के पैरेलल, सी एन के पैरेलल मैंने सी में से एक लाइन क्रॉस की, और वो लाइन जो है कई लोग के पे टच कर देते हैं, तो के वाला कंफ्यूजन मैंने आपको बताया क्या पहले था कि भाई ये जो एक दूसरे की जो लाइन है जहां इंटरसेक्ट हो रही है, ये बाहर वाले मेंबर जहां एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहा है, वही आपको पॉइंट लेने होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है आपको कि भाई सी एन जो है वो सी को डायरेक्ट मैंने इस आई वाले लाइन पे इंटरसेक्ट करना है, और यहां से ये मुझे मिलेगा सी एन, ये जो इंटरसेक्ट मुझे आई लाइन पे होगा ना, दैट इज माई एन पॉइंट, ओके। अगर मैं बात करूं एच डब्ल्यू की, तो एच में से मुझे निकालना है, और ये जो हमारी बी एल लाइन है उसके ऊपर जो टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज अवर डब्ल्यू पॉइंट। सिंपल चीज है, ठीक है। और आगे भी इस तरह से आपको करना है, डीपी के लिए डी मेस लाइन निकालना है, यहां पे ले लेना है, और ई मेस लाइन निकल के आपको आर मिल जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कहीं भी, है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कहीं भी आपको, बताइएगा मुझे अगर कोई भी कंफ्यूजन कहीं हो रहा है तो बताइए, ठीक है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। चलिए तो अब आपको क्या करना है, यहां पर हमने ये ऊपर के सारे जो पॉइंट थे बीएल, हम बीएल हमको देखो बीएल हमने देख लिया, एक मिनट, हाँ हमने बीएल देख लिया, हमने सीएन देख लिया, हमने डीपी देख ली, हमने ईआर देख लिया, हमने एफ एस देख लिया, जी यू देख लिया, हमने एच डब्ल्यू देख लिया, हमने आई वाई देख लिया। अब बात करते हैं इंटरनल मेंबर्स की, उसके अंदर जो मेंबर है दूसरे, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। नाउ अब देखो, पहले मैं बता दूं आपको, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े ना हम, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन, ये अच्छा एक मेथड हो गया हमें, चलो ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखो, ये हमारे पास एक मेंबर है एलएम का, हमारे पास ये एक एलएम है। नाउ जैसे मैं आपको पहले बताया था कि ये अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास आती है कि भाई दो कोलिनियर फोर्सेस है और इसके अंदर ये परपेंडिकुलर हो, तो ये जीरो होता है, ठीक है। तो अब यहां पर इसको बताना तो कैसे बताओगे आप, क्योंकि ऑलरेडी हमने लोकेट कर लिया है इसको, ऑलरेडी हमने लोकेट कर लिया है इसको, ठीक है। यहां पर ये हमारे पास जो है ये देखो, ये एम पॉइंट, ये एल है और एम भी यहीं पर आएगा, क्योंकि L से कोई दूसरा नंबर यहां से नहीं निकल रहा है, तो ये क्योंकि जीरो फोर्स है, तो यहां पर एल एम इज इक्वल टू जीरो दिखा रहा है आपको, ठीक है। एल एम इज इक्वल टू, दूसरा कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जिसे आपको, जहां तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि K लाइन पर ही है ये। एल एम कहां एक्सटेंड हो रहा है, K लाइन पर हो रहा है, तो एल एम अगर K लाइन पर ऑलरेडी है तो एल एम की वैल्यू क्या होगी, यहां पर जीरो हो जाएगी, एज इट इज स्टेटेड अर्लियर, ठीक है, यहां पर जीरो हो जाएगा। सिमिलरली एक्स वाई जो आपका मेंबर है, एक्स वाई के अंदर भी जीरो होगा, तो एक्स वाई इट इज टचिंग ऑन दिस एक्स के लाइन, ठीक है, के लाइन, तो यहां पर देखिए ये x है, ये हमारा तो सॉरी हमारा y, हाँ हमारा आई वाई ऑलरेडी यहां पर y पॉइंट था, y पॉइंट हमारा ऑलरेडी था, और जो क्योंकि x x जो x y जो मेंबर है वो आपका k पे टच कर रहा है, मतलब x y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इट इज ऑलरेडी टचिंग और ओवर देयर, ठीक है। तो यहां पर आपको ये मेंबर मिल गया। अब बात करते हैं यहां पर एम एन मेंबर की। नाउ वी विल टॉक अबाउट एम एन मेंबर, ये वाला मेंबर जो हमारे पास है एम और एन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जरा, ठीक है, एम और एन मेंबर हमारे पास है। तो एम एन के अंदर क्या होगा, देखो एम हमारे पास ऑलरेडी है, एन हमारे पास ऑलरेडी है, नाउ एक पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर लो, इसके अंदर ऑलरेडी है यहां पर, तो एम एन मेंबर्स हमें यहां पर मिल गया, ठीक है। पिक ब्लर आ रही है, पिक यहां पे ब्लर आ रही है यार, ये कैमरे के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, पिक आपको ब्लर आ रही है यहां से, एक मिनट मैं जरा इसके अंदर कुछ तिगड़म करता हूं, ठीक है, दो मिनट जरा, एक मिनट मुझे दे दीजिए, ठीक है। मैं इसका कैमरा एक्चुअली चेंज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ हम पिक्सल को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, डोंट वरी, हम पिक्सल को इंक्रीज कर लेते हैं,
ठीक है, अब आपको दिखाई देगा, ठीक है। ओके सो हियर वी विल गो। अब दिखाई दे रहा है क्लियर आपको? इज इट क्लियर नाउ? यस और नो? हरी अप, कमेंट करो, जल्दी बताओ मुझे। अब क्लियर है? ठीक है, फिर 1 मिनट। हाँ, तो हम कहाँ थे इसके अंदर? हम थे, हमने क्या किया, ये जो हमारा एम एन मेंबर था, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ये एम और एन, देखो ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये हमारा एम एन मेंबर जो है इसके पैरेलल, हर चीज जो है एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, हमेशा याद रखो। इसके अंदर जो भी मेंबर्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे मेंबर एक अपने यहां पर पैरेलल होने चाहिए उसकी पोजीशन में, ठीक है। एम एन हमने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर एन और ओ की, ठीक है, एनओ मेंबर की बात करते हैं। नाउ एनओ इज द स्ट्रेट मेंबर, ठीक है, एनओ इज द स्ट्रेट मेंबर। तो देखो एन यहां पर है, एन यहां पर है और ये स्ट्रेट है, और विच इज ऑलरेडी टचिंग ऑन के लाइन, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एनओ को हम के पर टच कर देते हैं, दैट इज ओ, यहां पर लोकेट हो गया, एनओ मेंबर मिल गया, वर्टिकल था वर्टिकल हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं यहां पर अगर ओपी की, तो ओपी इट इज अ इंक्लाइन मेंबर, ओपी इंक्लाइन मेंबर है, ठीक है। तो देखो ओ कहां पर है, ये ओ है, और पी हमने देखा था डीपी यहां पर हो रहा था हमारा, तो ओ और पी को एक उसी की तरह इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा ओपी मेंबर हमें मिल गया, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं यहां पर पी क्यू के बारे में, तो पी क्यू इज अ स्ट्रेट मेंबर विच इज टचिंग ऑन के, तो पी क्यू हमारे पास, पी हमारे पास लाइन ऑलरेडी है, इसको स्ट्रेट लाइन कर दो, जहां पर ये के को टच कर रहा है, दैट इज अ के पॉइंट, ठीक है, क्यू पॉइंट सॉरी, तो पी क्यू में मिल गया। सिमिलरली क्यू आर दैट इज इंक्लाइन मेंबर, एंड ये हमारे पास क्यू आर का है, ठीक है। तो क्यू आर है, आर हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि हमने ई आर मेंबर फाइंड कर रखा था, तो आर हमारे पास ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है, आर हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्यू आर जो है, सॉरी हाँ, क्यू आर हमारे पास जो है वो इंक्लाइन मेंबर है, क्यू आर इज अ इंक्लाइन मेंबर, उसी की तरह पैरेलल लाइन यहां से आर से लेकर यहां पर के, बट जहां टच होगी वहां पर आपका क्यू पॉइंट हो जाएगा। तो दैट इज सिंपल थिंग, ओके। ये हमने बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से यहां तक कैलकुलेट कर लिया, यहां तक समझ लिया, ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर लिया कि किस तरह से आपके ये सारे मेंबर्स ड्रॉ होंगे। इसमें आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? क्योंकि अभी ये एक 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 तरफ से हमने किया, दूसरा क्योंकि सिमेट्रिकल है, दूसरा पोर्शन उसका सिमेट्रिकल है, तो उसी तरह से वो उसका रिफ्लेक्शन देगा बाजू में, मतलब उसी तरह से आप उसको लोकेट वहां पर कर सकते हो। सिमिलरली इसमें कोई आपको दूसरा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, यस और नो? ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको सभी को? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसका ड्रॉ करने का, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए इसका एक्चुअल फंडा क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने सारे के सारे मेंबर्स को जो है लोकेट कर लेना है। और अब देखो इसका, अब हमने ड्रॉ तो कर लिया इस फिगर को, इस ग्राफ को, बट इसका हम करेंगे क्या? अब ये सवाल आपके माइंड में होना चाहिए कि सर इसका हम करेंगे क्या, तो इसको करना कुछ नहीं है आपको, इसका आपको करना कुछ नहीं है। देखो अब मैं आपको बता देता हूं, हाँ ये देखो, ये विंड लोड हमारा था, ये इस तरह से विंड लोड डायग्राम, एक विंड लोड के लिए बता देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि हमारे पास विंड लोड है। हाँ, एग्जाम्पल के अंदर याद रखिएगा, ये जो आपका ये जो रेडियस इन्होंने, सॉरी रिएक्शन या रिजल्टेंट निकाला, इसका जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती, तो आपको इसको निकालना नहीं है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर इसकी, तो विंड लोड के अंदर सारे जो लोड थे वो ऊपर की दिशा में जा रहे थे, मैंने बताया था आपको, ठीक है, और इस तरह से जो एरोज थे वो जो हमने डेड लोड लाइव लोड के अंदर लिए थे उसी के अपोजिट यहां पर आपको ले लेने हैं, सिंपल चीज, ओके। इसके अंदर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं स्ट्रेट स्ट्रेस टेबल भी डायरेक्ट ही कराऊंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है, ये अच्छा आइडिया मिला है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या है, हमने क्या किया कि ये विंड लोड, हाँ, इसका जो स्ट्रेस डायग्राम है वो किस तरह से होगा, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है, पहले आपको क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बिकॉज विंड लोड आर एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन दिस प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर जो हमारा है, ठीक है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो क्या करना है आपको, इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, जो आपको ये पूरी लाइन दिख रही है ना यहां से, ये एक लोड जो आपका है परपेंडिकुलर, उसके उसके परपेंडिकुलर मतलब उसके पैरेलल लाइन,
ये जो आपको लोड है, ये क्योंकि ये हमारा राफ्टर है, इसके ये परपेंडिकुलर लग रहा है बिल्कुल, तो ये इसके पैरेलल एक आपको यहां से लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल आपको यहां से लाइन ड्रॉ करनी है। सिमिलरली ये जो आपका इधर से लोड है, ठीक है, इसके पैरेलल आपको एक यहां से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, बिकॉज विंड लोड इज ऑलवेज ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके, विंड लोड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट होता है। तो आपको ये इस तरह से दो लाइंस मिलेगी। अब इन लाइन के अंदर जो आप यहां पर ये नामकरण आप देख रहे हो, तो वही हमारे स्केल के मुताबिक कर लेना आपको कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोन्यूटन वगैरह, या 1 किलोन्यूटन, जो भी आप लेना चाहो स्केल यहां पर बता दीजिए, और उस स्केल के हिसाब से आप यहां पर सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे कि सर मुझे यहां पर कंफ्यूजन है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो प्रोसीड लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं फिर मैं, बाकी कुछ इसके अंदर नई चीज नहीं है, सब वही है, ठीक है, सब वही चीजें हैं, नया कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लियर हो तो मुझे बताइए सर, क्लियर है यहां तक, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर हो गया यहां तक सब कुछ, ठीक है, चलो। तो ये हमने विंड टेबल देख लिया, सॉरी हमने ये देख लिया स्ट्रेस डायग्राम, बाकी सब कुछ वही चीज थी, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट BY को BX को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे आप फिर से इस चीज को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, है ना, क्योंकि BL यहाँ पे मेंबर हो रहा है, यहाँ पर ये IY मेंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये सारे मेंबर जो हमने पहले लिए थे वहां से आपको डायरेक्ट उसके पैरेलल 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 लाइंस यहां पर इंटरसेक्ट करनी है, और पर्टिकुलर पर्टिकुलर मेंबर आपको वहां पर जो है बताने हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां तक इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से बखूबी सीख लिया है, समझ लिया है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस टेबल के बारे में, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेस टेबल, ओके। देखिए, तो आपके सामने यहां पर देखो अचानक से एक स्ट्रेस टेबल आ जाएगा, जैसे अभी आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेस टेबल है, इसको मैं फोकस, हाँ, ये हमारा स्ट्रेस टेबल है, ओके। अब इस स्ट्रेस टेबल के अंदर आपको करना क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पर देखो जो मेंबर्स है हमारे, जो मेन मेन मेंबर्स है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा मतलब हमारा जो प्रिंसिपल राफ्टर है, प्रिंसिपल राफ्टर को इन शॉर्ट यहां पर डिजाइन करना था, इसके मेंबर निकालने थे हमें। तो प्रिंसिपल राफ्टर हमारा कौन से थे, BL, अगर मैं आपको बता दूं यहां पर देखो प्रिंसिपल राफ्टर के जो मेंबर हमारे हैं वो एक तो है BL, CN, DP, ER, बाकी ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यही मेंबर इन्होंने निकाल रखे, ठीक है, यही मेंबर इन्होंने लिस्ट आउट कर रखे, ओके। हाँ, मैं स्पीड में जाऊंगा, ठीक है, सॉरी जिगर पटेल। चलिए, तो ये मेंबर सारे यहां पर मेंबर लिस्ट आउट कर दीजिए। उसके बाद डेड लोड हमें दे रखा था 8 किलो न्यूटन का, ठीक है, डेड लोड हमें 8 किलो न्यूटन का दे रखा था, लाइव लोड हमें जो है 6 का दे रखा था, विंड लोड हमें 20 का। अब आपको करना क्या है, अब जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, अब यहां पर उसका जरूरत होती है। तो भाई क्या करना है आपको, ये हमारा ग्राफ है इन शॉर्ट, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है यहां पर। तो हमारे पास BL जो मेंबर है, ये B और L, इसका आप स्केल से मेजरमेंट ले लो। अच्छा, जिगर पटेल भूख लगी, सॉरी, ठीक है, मैं अभी खत्म करता हूँ, चलो इसको, कोई बात नहीं। तो ये BL मेंबर हमारा क्या करना है आपको, BL मेंबर का स्केल से मेजरमेंट ले लेना है। इसका जो भी मान लीजिए 9.5 सेंटीमीटर आपका इसका डिस्टेंस आ रहा है, तो 9.5 इंटू जो हमें लोड डेड लोड दे रखा था, ये डेड लोड हमें 8 किलोन्यूटन दे रखा है, ठीक है, तो 9.5 इंटू 8, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। अगर कंप्रेशन में है तो पॉजिटिव लिख लो, अगर टेंशन में है तो नेगेटिव लिख लो, ठीक है, इस तरह से। और क्योंकि हमारा प्रिंसिपल राफ्टर ऑलवेज हमेशा जो है वो कंप्रेशन टॉप कोड है, तो वो हमेशा कंप्रेशन में रहेगा, तो कंप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आप आएगी, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो आपको करना क्या है यहां पर, ये जो डेड लोड है आपको उस लाइन के अंदर जितनी भी उसकी लेंथ होगी उसको मल्टीप्लाई यहां पे करते रहना है, सिंपल। सिमिलरली लाइव लोड के लिए आपको लाइन की जो मेजरमेंट है वो लेकर लाइव लोड मल्टीप्लाई कर लो, सिमिलरली आप विंड लोड मल्टीप्लाई कर लो। और ये विंड लोड जब आप मल्टीप्लाई करो, तो विंड लोड जो आपका डायग्राम है, ये विंड लोड डायग्राम है, इसके अंदर से आपको लाइन मेजरमेंट करना होगा, ठीक है, ये BL लाइन यहां से मेजरमेंट करो, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 20 एंड योर आंसर विल बी -174, ओके, बिकॉज यहां पर जो है वो उसकी साइन अपोजिट हो जाती है विंड लोड के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहां आपको इस तरह से इसको कंसिडर करना होगा, है ना, सिंपल चीजें सब कुछ ये। अब उसके बाद क्या है, क्योंकि आपको IS 800 कहता है कि यहां पर आपको लोड कॉम्बिनेशन लेना है 3, और उसमें से जो वर्स्ट कंडीशन होगी वो आपको यहां पर डिजाइन के लिए कंसिडर करनी होती है, वर्स्ट कंडीशन मतलब सबसे ज्यादा वाली, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होता है कि भाई आप अगर IS 800 देखोगे, IS 800 ओपन करके देखोगे टेबल नंबर 4 के अंदर, तो वहां पर आपको कुछ फैक्टर दे रखे, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड है, डेड लोड प्लस विंड लोड है, और डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस लाइव लोड है, और 1.2 दे रखा है, तो 1.2
2.2 क्यों दे रखा है यहां पर इन्होंने। तो देखो जब भी हम तीन लोड का कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं तो आईएस कोड के मुताबिक 1.2 आना चाहिए कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ठीक है। टोटल 25 कॉम्बिनेशन हमारे पास आते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में कि कौन कौन से होते हैं। इसमें से जब दो बार मतलब तीन बार हम लोड को प्लस करते हैं, तीन लोड को डिफरेंट डिफरेंट लोड को हम ऐड करते हैं अगर, और उसका कॉम्बिनेशन ले रहे होते हैं लोड कॉम्बिनेशन, तो हमें 1.2 फैक्टर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है 1.2, लेकिन दो अगर ले रहे हैं हम लोग तो 1.5 मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आपको आगे उसके बारे में बात करूंगा। चलिए तो यहां पर बस ये सारे एडिशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो और यहां पर आपको ये सारे इस तरह से वैल्यूज मिलेगी। अब ये दिखा लो यहां पर भाई कि हमारा जो बीएल मेंबर है इसके अंदर डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, इन तीनों में से कौन सा, ये जो हमारे पास तीन लोड कॉम्बिनेशन आए इनके लिए, ठीक है। तो इन तीनों में से हमारे पास कौन सा सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, वर्स्ट कौन सा है, तो हम देख सकते हैं यहां पर टेंशन के अंदर। मैं टेंशन की बात कर रहा हूं, ये पहले हम टेंशन की बात करते हैं कंप्रेशन की। तो टेंशन यहां पर देखो जो माइनस है, -2 यहां पर है, इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू -147 की है, तो -147 ले लिया, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों में से माइनस में से कौन सी ज्यादा वैल्यू है, तो 132 ज्यादा हो गया, ये 113 ज्यादा हो गया, ठीक है, और ये 99 यहां पर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टेंशन फोर्स आ गए यहां पर, ठीक है। और यहां पर अगर हम मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करें तो ये +199 होगा कंप्रेशन का। सिमिलरली ये यहां पर कंप्रेशन का, ये जो भी प्लस साइन में जो मैक्सिमम होगा वो यहां पर ले लीजिए, सिंपल चीज है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब डिजाइन लोड का मतलब क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन लोड, और चेक लोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टेंशन लोड, ठीक है। तो डिजाइन लोड आपको सवाल में पूछा क्या गया था, मैक्सिमम डिजाइन लोड एंड चेक लोड, आपको दो चीजें निकालनी थी। तो यहां पर देखो मैक्सिमम आपका कौन सा कंप्रेशन कौन सा है, मैक्सिमम कंप्रेशन लोड कौन सा है आपका, अगर आप देखोगे इसके अंदर कंप्रेशन कहां है, हां ये देखिए, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट उसमें से 199 मैक्सिमम कंप्रेशन है आपका, तो इसको डिजाइन लोड कहेंगे हम, डिजाइन लोड, ओके। और मैक्सिमम टेंशन कौन सा है आपका, तो 147, दैट इज आवर चेक लोड। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर एग्जांपल। इस तरह से आपको सारी चीजें यहां पे देखनी है और इस तरह से इन न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है, एनालाइज करना है, जो कि बहुत सिंपल है, आसान है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वैसे घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपको नहीं आता इसके अंदर तो बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको ऑटोकैड के अंदर भी ये करवा सकता हूं, मैं आपको ये ऑटोकैड के अंदर भी करवा सकता हूँ। मैंने सोचा था एक्चुअली इसके बारे में कि मैं आपको ऑटोकैड में करवा दूँ, लेकिन हुआ यूं एक्चुअली कि एक मिनट जरा मैं इसका एंगल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे आपसे बात कर लेनी है, अलविदा कह लेना है आपको, उसके बाद फिर आप जाइए खाइए आराम से, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से हमने एक जुगाड़ लगाया भाई हमारे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कल सुबह तक आपको इसकी पीडीएफ फाइल हमारी एप्लीकेशन के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, तो वहां से आप ले लीजिएगा। और आज मुझे डिजाइन ऑफ पर्लिन भी करना था, लेकिन क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है और कुछ लोगों को भूख भी लगी है, तो आज हम डिजाइन ऑफ पर्लिन रहने देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे हमारी लाइव क्लास के अंदर, कल हम डिजाइन ऑफ पर्लिन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, यस और नो जल्दी करो, मुझे रिप्लाई कर दो, फिर हम जाते हैं, आज आपसे अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आपकी मुलाकात करेंगे। लेकिन आपके जवाब मुझे बता दो कि यस और नो आपको समझ में आया नहीं आया तक, यहां पर जो भी हमने यहां तक आज किया है आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, इसकी पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा, ऑटोकैड में करवा दूंगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है। शंकर नारायण का सर, ए बी सी एटसेट्रा आर नॉट पॉइंट, दे आर स्पेस बिकॉज दिस इज अ स्पेस, ऑब्वियसली मैंने वही तो कहा कि उसके आजू बाजू जो स्पेस थे ना वो हम उसको नाम दे रहे हैं, वी आर नेमिंग दैट स्पेस, नॉट दैट मेंबर और दैट पॉइंट, ओके, इट इज जस्ट अ स्पेस। मैंने आपको इसीलिए तो कहा था कि वो स्पेस डायग्राम है, ओके, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास, ओके, टाइमिंग टुमारो हो सकता है हमारा 7 बजे के आसपास, अगर 7 बजे के आसपास हो गया तो ठीक है, वरना फिर देख लेते हैं। अच्छा आपको 4 बजे का टाइम चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर 4 बजे में क्लास रखो तो चलेगा आपको, इज इट ओके फॉर यू गाइस, यस सर, बेटर एक्सप्लेनेशन मतलब 4 बजे अगर आप, थैंक यू यश यकीन, सॉरी, थैंक यू, 4 बजे आपको क्लास चलेगी नहीं चलेगी, 4 बजे अगर नहीं चलेगी तो 12 बजे, क्योंकि अभी तो आप ऑलमोस्ट सब लोग घर पर ही हैं, ठीक है। ऐप पर ज्वाइन नहीं हो रहा, ऐप पर ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हो आप, ऐप पर ज्वाइन क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए आप। अभी आपके जो सारे रिक्वेस्ट है मेरे पास आ चुकी है ग्रुप में, मैं रिक्वेस्ट आप सभी की एक्सेप्ट कर लूंगा, उसके बाद आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है, तो चिंता मत करो आप।
हाँ चलेगा ना 4 बजे? तो मैं काम करता हूँ, कल आपको फाइनल अनाउंसमेंट कर दूंगा दोपहर को कि हमारी क्लास 4 बजे होगी या फिर 7 बजे होगी, ठीक है? जो भी हमारा टाइमिंग रहेगा वो मैं आपको कल दोपहर तक बता दूंगा या सुबह सुबह बता दूंगा, ठीक है? चलिए, तो आज की इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिजाइन ऑफ पर्लिन को स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिजाइन ऑफ पर्लिन इन नेक्स्ट क्लास, ओके? सही रहेगा ना, डिजाइन ऑफ पर्लिन से, ठीक है? फिर हमें डिजाइन ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर भी करना है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो बस आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी का इस क्लास को देखने और सुनने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 o'clock बेस्ड है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच आपका अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। और हाँ, आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहिएगा इन क्लासेस के बारे में, चलिए, क्योंकि अब जो है ऑलमोस्ट स्टडी फ्रॉम होम हो गया है, टीच फ्रॉम होम हो गया है, तो आपको अब बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है और कोई आपको परमिशन भी नहीं है खास, इसलिए आपको घर से ही पढ़ने के लिए बैठना होगा, ठीक है? तो आप जो है जेई मेन अप्रैल का जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन हो चुका है। लो भाई, ब्रेकिंग न्यूज़। खैर जो भी है, चलो, तो और हाँ, हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको जेई मेन और जेई वगैरह के एग्जाम की तैयारी भी करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है? मतलब उसके मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट यू विल फाइंड आउट इन अवर स्टोर सेक्शन इन ऐप, ओके? चलिए, तो बस आज की क्लास में यही रखते हैं भाई साहब। मेरा भी गला सूख रहा है, कुछ लोगों को भूख लगी है, आज यहाँ पर क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कल आपको मैं फाइनल कंफर्म करके बता दूंगा कि 4 बजे होगी क्लास या फिर हमारी क्लास 7 बजे होगी। वॉट एवर द टाइमिंग विल बी, आई विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस, ओके? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, स्वस्थ रहिए, साफ सुथरे रहिए, बाहर निकलने से परहेज कीजिए, हाथ को साफ रखिए रखिए, और बेवजह के मास्क पहन के मत, अब अगर आप बीमार हो, अगर आप इल हो, अगर आप बीमार हो, कहीं ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा है ये, तो तभी मास्क पहनिए, वरना मास्क पहनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए ज़्यादा उसको वेस्ट ना करो, और घर में जो है सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करो, हैंड वॉश यूज़ करो, अच्छी तरह से अपने हाथ पैर मुंह धोकर रहो, ठीक है? नहाते रहो रोज़, और अपने हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धोते रहो, लोगों से टच में मत रहो। टच मीन इंसेंस फिजिकल, आप वीडियो कॉल पे बात करो, आप फोन कॉल पे बात करो, अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करो, वीडियो कॉल करो, वीडियो ऑडियो कॉल करो, लेकिन आप उनसे मिलने में थोड़ा परहेज करो, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक थी हमारी क्लास आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।